बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहे परवेज मलिक मेरा नाम है। मैं निशान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपसे बात कर सकूँ। इस स्टेज पे जब मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मुझे कन्फाइन रहने के लिए कहा गया है कि लॉ ऑफ बीएसपी में बात करूँ। एक चीज थोड़ी सी जो मेरी एकेडमिक साइड है वो निशान साहब ने नहीं बताई कि मैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से जो है वो पीएचडी रिसर्च स्कॉलर भी हूँ और मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। और 94 के बाद सिर्फ एक बंदे को पंजाब यूनिवर्सिटी ने पीएचडी में डिग्री दी है, तो उसके बाद किसी को भी नहीं दिया आज तक। ये बहुत बड़ा आदमी है हमारे साथ कि हमारी एकेडमिक साइड भी बहुत ज्यादा कमजोर है और प्रैक्टिकल साइड भी कमजोर है। तो अभी सबसे पहले मैंने आपको ये डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये सिर्फ मदद करने की नीयत से मैंने आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये मेरे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, मैंने इसको प्रियम्बल बनाया। ये प्रियम्बल है क्या चीज कि हमारे जो यंग लॉयर्स हैं जब वो प्रोफेशन में आते हैं तो उन्हें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो ये बार बार सवाल करते हैं कि हम सीखें क्या, हम शुरू कैसे करें। यानी वो कई महीने और कई साल यहाँ पर आते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो है उन्हें ये समझ नहीं लगती कि मैंने सीखना कैसे है और अर्न कैसे करना। तो 2 से 3 साल कबल जो है वो मैंने इस पर सोचा कि हम लोगों को मदद करें जो हमारे पास आते हैं, हम उन्हें प्रोफेशन में रास्ता दिखाएं। तो ये 2-3 साल पहले जो है ये हमने जो डिजाइन किया था स्टेप बाय स्टेप लर्निंग टारगेट इसमें बनाए गए थे। इसमें मैं ये समझता हूँ जैसे मैं अगर आपकी जगह पर हूं तो मैं कैसे शुरू करूं। तो मैंने ये टॉपिक्स जो है ये डिवाइड कर दिए हैं। इसमें मलूजे खातर रखा गया प्रैक्टिकल वर्क को, किताबों को नहीं रखा गया। इसमें मैंने चूंकि मुझे 22 साल यहाँ रातों में आते जाते गुजरी है मेरी, तो मैंने इसमें 2 साल लगा के रिपीटेटिव वर्क निकाला। तो ये वो रिपीटेटिव काम है जो हमें यंग लॉयर को फौरन आना चाहिए। अगर वो रिपीटेटिव वर्क जो है वो सीख लेगा तो उसे अर्निंग स्टार्ट हो। कोई क्या करता है कि वो सिर्फ एक ट्रायल वाले वकील को फॉलो करता है, वो 302 के ट्रायल को 6 महीने देखता रहता है। अगर उसके पास कोई दीगर केस आ रहे तो उसे ये समझ नहीं लगती कि मैं उसको हैंडल कैसे करूँ, तो वो फिर इसी मखमसे का शिकार रहता है। इसको हैंडल कैसे करना है इस सारे मामले को, कि हमारे पास 2 ऑप्शन है। अगर हम लैपटॉप यूज करते हैं तो इस सारे के फोल्डर बना ले अपने पास, और अगर हम रजिस्टर यूज करते हैं तो रजिस्टर पर अलग अलग ये टॉपिक लिखे अपने पास। और ये वो बेसिक टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल एक प्रैक्टिकल वकील को उसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको ये बातें पता हो। और ये वो बातें हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल की, इसमें कतन जो है वो हेक्टिक वर्क जो है वो शामिल नहीं किया गया, ऐसी चीज नहीं बताई गई। ये वो है जो हमारे घरों से महलों से और कचहरियों में रोजाना काम आता है। यानी अगर 3 महीने का एक टारगेट बनाया जाए, मेरे साथ जो लॉयर्स थे हमने उनको ये टारगेट दिया कि आप इसको 3 महीने में जो काम रोजाना देखते हैं उसके अंदर जाके लिखेंगे, ये वाले कि मुझे थोड़ी सी समय लग गई और उसके बाद फिर आपको पता लग जाएगा कि इसमें से मैंने कितना टारगेट अचीव कर लिया। अगर कुछ रह जाएगा तो फिर आप स्पेसिफिकली इस पर वर्क करें, जाके उसको ढूंढें। फर्ज किया मैंने इसके अंदर क्रिमिनल एडवोकेसी पे ये जो चीजें लिखी है, अब इसमें ड्राफ्टिंग एंड प्रैक्टिकल अप्रोच के हवाले से मेरा गलती ख्याल है कि FIR लिखनी आनी चाहिए। अब जिसको FIR लिखनी नहीं आती उसको उसको कॉल करता है उसका क्लाइंट कि मेरे साथ ये हादसा पेश आ गया, कि मैंने लाखों सेटल को मोशन लाना है। अब मॉडर्न दौर है, मॉडर्न दौर में हर शख्स फोन पे रबते थे। जो पुराने कन्वेंशनल वकील हैं वो कहते हैं जी मेरे पास जब रिपोर्ट 173 की आएगी मैंने उससे आगे काम करना है। अब वहीं पर ही क्लाइंट कैप्चर हो जाता है, जो शख्स उनको FIR लिख के देगा वही इसका ट्रायल करेगा। और ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ट्रायल के वकील को, तो FIR खुद ड्राफ्ट कर सके। अब इसके जो एक असेंशियल है जिस पर मैंने बात नहीं करनी, लेकिन मैंने आपको एक मिसाल दी कि मैंने बिल्कुल छोटी छोटी चीजें निकाल दी जो कि महलों में आती हैं, जैसे पोस्ट रेस्ट, प्री रेस्ट और इट्स सर्टिफिकेट। मैंने आज सिर्फ पॉइंट नंबर 2 पे बात करनी, लेकिन ये डिटेल सारी मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए दे दी। आपको ये वो बिल्कुल चीजें हैं जिसके बगैर आपको दुनिया में कोई शख्स वकील मानने को तैयार नहीं होगा। और ये बिल्कुल वो वाली बातें हैं कि इंजंक्शन कैसे होगा, जुडिशियल फाइल कैसे हैंडल करनी है। अगर आप इन चीजों को मास्टर कर लेंगे या कर लेंगी तो आप तो किसी भी लॉ फर्म के लिए या लॉ चैम्बर के लिए वैल्यूएबल हो जाए। यानी वो आपको क्यों रखे, अगर एक आपका सीनियर है वो आप उसके लिए अगर वैल्यूएबल नहीं है तो वो आपको नहीं रखेगा। अगर आप उसको पता है कि ये बंदा जो है मैं फ्रंट डेस्क की एप्लीकेशन के मैकेनिज्म का इसको पता है, उसे पता है कि 107, 150, 151 के अंदर आप बंदे पकड़े गए हैं, तो ये इस काबिल है कि ये जाकर सुबह उनको छुड़वा सकता है, तो वो फिर आपको रेफर करेगा, वरना वो रेफर भी नहीं करता। वो कहता मेरी साफ खराब हो जाएगी। एक मैं नए बंदे को, कोई भी शख्स है अगर आपके चोट लग गई है तो बिल्कुल बिगनर को कोई पट्टी भी नहीं करने देता। तो अब अनफॉर्चुनेट हमारे साथ ये होता है कि हम लोग ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहां पे हमें लोग बताना भी चाह रहे हैं लेकिन हमारा कुछ सीक्वेंस नहीं बन पा रहा, तो वो सारे बेचारे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई एग्जाम्स की तरफ चला जाता है, कोई कहीं और चला जाता है।
तो ये मैंने इसके अंदर सारा कुछ समाप्त कर दिया कि आप अगर चाहें तो ये रजिस्टर बनाए और अल्लाह का नाम लेके इसमें शुरू हो जाए और हर चीज जो रोजाना देखे उसके नीचे लिखना शुरू कर, फिर आपको एक महीने बाद उसको देखें मुझे इसमें से क्या समय लगे। इसमें हमने तीनों चीजें कवर की हैं, हमने इसमें जो है वो ड्राफ्टिंग और प्रैक्टिकल अप्रोच को भी किया है, ट्रायल रिलेटेड को भी किया है और सिविल फैमिली गार्डियन में सिर्फ वो चीजें पॉइंट आउट की। अब ये आप लोगों की हिम्मत है इस स्टेज पे। मैं समझता हूँ जो लॉ है उसकी दो शक्लें हैं, एक लॉ जो प्योर लॉ है जो ओरिजिनल लॉ जो आप लॉ कॉलेजेस में पढ़ते हैं, और एक वो लॉ है जो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास कोई एजुकेशन का निजाम मौजूद नहीं। ये जो बार वोकेशनल कोर्स है ये दुनिया में होता है कि आपने लॉ प्रोफेशन में आने से पहले आपने कुछ दरमियानी वक्फे में ये चीजें सीखनी होती। तो मैं आप सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आप लोगों पे बर्डन नहीं है। ये यंग लॉयर आप समझते हैं कि हमारे लिए जो ऊपर लोग बैठे हैं उन्होंने नई मुसीबत हमारे गले डाल दी है कि आपने बार वोकेशनल कोर्स करना है। अल्टीमेटली ये आपकी जरूरत है कि आप प्रैक्टिकली आपको पता तो हो ना कि आपने हैंडल कैसे चीजों को करना है। तो ये बहुत बड़ा पुराना मुतालबा था और हम लोग इससे हमने बहुत सफर किया कि हमें ये पता ही नहीं था कि ये चीजों की जरूरत है। आप टॉपर भी हैं, इवन आप अगर आपने टॉप भी किया हुआ है लेकिन आपको प्रैक्टिकल हैंडलिंग नहीं आती तो फिर दुनिया का कोई बंदा आपका क्लाइंट नहीं बने। तो ये एक मैंने जो है ये सारा डिटेल दे दी, क्योंकि मेरा ये मौजू नहीं है लेकिन ये हेल्प करने की नीयत से मैंने आपसे चीजें शेयर की है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इसमें जो हमारे पास बात है वो आज के लॉ ऑफ बेस पे हम बात करना चाह रहे हैं। तो ये जो पहली स्लाइड आप इसकी देख रहे हैं इसके अंदर ये सारी एजुकेशनल साइड है जो इस पर लिखी हुई है। एजुकेशनल साइड पर आप लोग पहले पढ़ के भी आए हुए हैं कि टर्म बेल का मतलब बताया गया कि ये होता क्या बेल। बेल का लफ्जी मतलब सिर्फ इतना है या उसका प्रैक्टिकल मीनिंग सिर्फ इतना है कि आपकी जो फिजिकल सेल्फ है उसको टेम्परेरीली आपके जामन के हवाले कर दिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो फौजदारी वकालत के अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए इख्तियार कर गई है कि बेल के बाद ट्रायल नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर इस तरह का मैकेनिज्म बन चुका है कि हर बंदे की त्वजा सिर्फ बेल की हद तक होती है कि आप मुझे फौरी तौर पर रिलीज करा दें, मेरी श्योरिटी बांट दें, उसके बाद वो ट्रायल की तरफ नहीं आते। वजह क्या है इसकी वो एक लंबी तफसील होगी। मुख्तसर सी बात यह है कि आप लोगों ने कल में लेजिस्लेशन में जाना है, आप लोगों ने कवानीन बनाने हैं, हम लोग जा रहे हैं इस दुनिया से, आप दुनिया में आ रहे हैं। अपनी उम्र के लिहाज से ये चीजें आपके अंदर कहीं जमा हो जानी चाहिए कि जो हमारा लॉ है वो स्टेटिक है और जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ है ये ग्रो करती है, ये जिंदा है। यानी हर रोज जो है वो एक हमारी लड़ाई ईवल के साथ है। अब गुड एंड ईवल की बात हम करते हैं कि जो ईवल है वो दुनिया में कोई बताता ही नहीं है। ईवल अपने आप को जिंदा रखने के लिए हर रोज नई इनोवेशन कर रहा है। हम एक नया कानून बनाते हैं, अगर हमारी असेंबली बनाती है तो ईवल बगैर किसी अप्रूवल के फौरी तौर पर उसके अंदर से एक नेगेटिव रास्ता ढूंढ लेता है और जो गुड है वो उस पर बात भी नहीं करना चाहता। वो कहता है कि अगर हमने बात की और ये यंगस्टर्स को बता दिया कि ये ईवल रास्ता भी मौजूद है तो वो लोग कहीं उसी ईवल रास्ते को फॉलो ना करें। अब अनफॉर्चुनेट ये होता है कि जो गुड है वो रास्ता जो है ढूंढता फिर रहा होता है और ईवल बंदा रिलीज करा के घर जा चुका होता है, तो इसकी वजह से बड़ी मायूसी फैलती है। तो ये हमारा मौजू नहीं है कि मैं ये कहूं कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये होता है और ये आपने इसमें इसको इसी तरह कबूल करना है। और जब आपको मौका मिले कि आप एग्जीक्यूटिव सीट्स पर जाती हैं या जाते हैं या आप अपर आपको पता हो कि लेजिस्लेशन की क्या जरूरत है, आप इसको कानून को एक पौधे की तरह समझे। जैसे एक पौधा ग्रो करता है इस तरह ही ये ग्रो कर रहा है, हर रोज नई इनोवेशन कर रहे हैं। जब मैं प्रोफेशन में आया तो साइबर क्राइम थे ही नहीं, यानी वो अब वो क्या किया कि साइबर क्राइम तो मैं बहुत बाद में पास किए लेकिन कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर से रिलेटेड जराइम आ गए, जराइम जो ईवल था उन लोगों ने उसके रास्ते भी ढूंढ लिए और बड़ी देर बाद हमने कहीं जाके साइबर क्राइम जो है वो एंटर किए और आज तक बहुत सारे लोग उसकी टेक्नोलॉजी से वाकफ नहीं। तो हमने अपने आप को अपडेट करना हर रोज करना। यानी अगर आप वकालत के प्रोफेशन में जिंदा रहना चाहते हैं तो आपको चाहिए ये कि जिस तरह आपका मोबाइल थोड़ी देर बाद वो कहता है कि प्लीज इसको थोड़ा सा अपडेट करो अपने आप को। तो इस तरह मुसलसल अगर हम अपडेटेड रहेंगे तो फिर हम अपने क्लाइंट को रास्ता दिखा सकेंगे। अब क्लाइंट जो है वो आपसे गाइडेंस मांग रहा है, क्लाइंट जो है वो आपको कहता है कि मुझे हर स्टेज पे गाइडेंस दो। अब इसकी मोटी मोटी तीन स्टेजेस होती हैं, एक प्री ट्रायल है, एक ट्रायल है, पोस्ट ट्रायल। प्री ट्रायल से मुराद जब FIR दर्ज हो जाती है उसको हम प्री ट्रायल कहते हैं, लेकिन उससे भी पहले एक पूरा फेज है कि जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं आपका मुकदमा दर्ज हो रहा है नहीं हो रहा, पुलिस की हैरानी क्या है, उसको क्लाइंट को कैसे आपने असिस्ट करना है,
तो ये आपको वेल इक्विप्ड होना चाहिए। अब हमारे जो पुराने लॉयर हैं, ये दो फिलोसफी है, वो कहते हैं कि जी वकील का तो थाने में काम ही नहीं, तो वो ना उन्होंने खुद सीखा हुआ है ना वो आगे इसको सिखाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो डेरोगेटरी है कि कोई वकील थाने में जाएगा, तो हम भी कहते हैं कि ना जाए या ना जाए ये आपका पर्सनल फेयर है, लेकिन आपको पता हो कि ईवल किस तरह से आपको आपके क्लाइंट को वहीं से ही उठा के ले जाता है। अब हम इसमें टर्म बेल की मैंने आपको डेफिनेशन यहाँ पर ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की भी डेफिनेशन है, वेबस्टर इसकी भी यही है, वो यही कहते हैं कि बेल मींस टू प्रोक्योर द रिलीज ऑफ पर्सन फ्रॉम लीगल कस्टडी बाय अंडरटेकिंग दैट ही शैल अपीयर ऑल द टाइम एंड प्लेस डेजिग्नेटेड एंड सबमिट हिमसेल्फ द ज्यूरिसडिक्शन एंड जजमेंट ऑफ द कोर्ट। मकसद कोई क्राइम अगर कमिट हो गया तो बेल का सिर्फ इतना सा मतलब है कि उसको क्या जेल में उसको रखना है ड्यूरिंग ट्रायल, या ट्रायल के दौरान उसको हमने बाहर निकाल के उसकी श्योरिटी के हवाले करते हैं। अब ये इतनी सी बात है, लेकिन ये सबसे पहले ये वो काम है जो यंग लॉयर्स को मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली होगा। यानी अब इससे आगे 10% काम ऐसा है जो हाईकोर्ट जाता है और 20% सेशन जाता है, 70% काम मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट में होता है। अब मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट में 70% बेलें जो है उसमें बहुत सारी चीजें उसमें ये किताबों वाली चलती नहीं, ऐसे है या ऐसे है, अंडरस्टूड बातें हैं, लोगों को पता है कैसे होता है। अब अगर हम बेल की डेफिनेशन अगर सब लोग अंडरस्टैंड कर गए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो मुझे बता दे, मैं दोबारा बता देता हूँ वरना मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि ये बातें तो किताबों में 100 जगह लिखी हुई है कि बंदे को जामन के हवाले कर। अब दूसरी बात है कि जामन होता क्या है। अब जामन दो तरह का होता है, शहर लाहौर के अंदर जो है हमारी प्रैक्टिस जो है यहाँ पे, अब सेक्शन 91 जो सीआरपीसी का है वो ये कहता है कि अभी कोर्ट जो है वो किसी से भी जो बेल बॉन्ड ले सकती है। अब बेल बॉन्ड जो है उसका एक खास फॉर्मेट है। अब हम यहां से जैसे जैसे लर्निंग करते जा रहे हैं, अगर मैं एक नया हूं आपकी जगह पे तो मैं सबसे पहले इस फॉर्मेट को अपने मोबाइल पे सेव करूं, एक हाल हुआ हुआ उसकी तस्वीर खींचूं और अपने पास रखूं। ये जरूरी नहीं है लॉ के अंदर कि आपको हर चीज याद हो, आपको ये पता हो कि बवक्त जरूरत मैंने अप्रोच कैसे करना। हम बिल्कुल नए हैं, नई कहानियां हम याद नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें अप्रोच कर सकते हैं कि हम वक्ती तौर पर हमें किसी को रात के 12 बजे ढूंढनी ना पड़े, हम अपना डाटा बैंक बनाए। यानी सन 2000 में मैंने डाटा बैंक बनाना शुरू किया, यानी एक आप जो आपसे सीनियर है या जो आपसे आगे चल रहा है वो आपको ये बताएगा कि दुराहे जब आपकी लाइफ में आते चले जाए तो आपने किसको फॉलो करना। यानी सन 2000 में कॉन्सेप्ट था कि आपने स्टेनो को फॉलो कर रखना है, आपने लीडर को रखना है, आपको एक बहुत सारा स्टाफ चाहिए। आज भी कन्वेंशनली एडवोकेट जनरल ऑफिस में इसी तरह से हो रहा है कि बहुत सारे लोग आपकी मदद करने वाले, लेकिन जो मॉडर्न ट्रेंड है अमेरिका का वो कहते हैं कि जो एक शख्स है वो अपना लैपटॉप यूज करे, सिर्फ उसको एक चाय वाला बंदा चाहिए, वो अपना डाटा भी खुद रखे, अपनी फाइलें भी खुद रखे और हर चीज महफूज करे। मैं ये बता, मेरे पास दो रास्ते थे कि मैं टांग पे टांग रख के बैठ जाऊं और स्टेनो को बुला के उसे कौन काम करे, और दूसरा यह था कि मैं खुद टाइपिंग करूं। अनफॉर्चुनेटली मुझे आज भी टाइपिंग नहीं आती, लेकिन मैं मोर देन 5000 पिटीशन अपने हाथ से लिख चुका हूं, क्योंकि जब तक मैं हाथ से नहीं करूंगा तो मुझे नहीं आएगा। तो मैंने उसको स्टेनो को दो हजार में जब बात सीख गया कि मैंने इस रास्ते को अख्तियार करना, मुमकिन है कोई स्पीकर आए उसने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। मैं अपने आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने हाथ से काम करना शुरू किया तो मुझे समझ आना शुरू, खाली कंप्यूटर नहीं, मैंने आपको लोअर कोर्ट्स के अंदर बहुत कुछ हाथ से लिखना था, जैसे नमाजियों के सर पर और घुटनों पर निशान है तो मेरे हाथ पर निशान बन गया लिख लिख, क्योंकि मैंने इतना लिखा कि हर चीज मैंने ये चीज नीचे लगती थी तो मुझे शीशे का रखना पड़ा टेबल। तो यानी हमें हर चीज हाथ से करनी है। बहुत दफा ऐसे होता है जैसे हम बहुत बर्निंग इशू बात हुआ बन जाता है कि इमरान खान साहब का इशू बना हुआ है, मौके पर पिटीशन देनी है, तो आप इस काबिल हों कि आप उर्दू में भी पिटीशन लिख सकते। यानी अब जो ब्रीड आ रही है वो इंग्लिश में पढ़ के आ रही है और उनके लिए उर्दू के बहुत ज्यादा मसायल, वो कहते हैं मुझे उर्दू समझ नहीं आती जो टैरा मॉडल लिखे हैं। तो अब उसका हाल ही यही है कि हमने अपने पे खुद वर्क करना है। अब बहुत आसान है कि जो आपसे पढ़ा नहीं जा रहा उसकी तस्वीरें खींचे और ऐसा बंदा ढूंढे जो साथ है उसको आपकी मदद कर देगा और उसको आप पढ़ लेंगे। मैं दोबारा बेल बॉन्ड की तरफ जाता हूँ कि बेल बॉन्ड क्या होता है कि अब शहर लाहौर के अंदर हर एरिया की अपनी प्रैक्टिस है। लाहौर के अंदर फर्द के ऊपर मचलता नहीं होता, यानी फर्द क्या होती है, फर्द जो छोटे छोटे नवाही इलाके हैं हमारी पेरिफेरीज है वहां पे जजेस की ये रिक्वायरमेंट होती है कि अगर किसी शख्स ने किसी की जमानत देनी है तो वो पटवारी के पास जाए, फर्द मिलकियत साथ लेके आए, वो साथ अटैच होती है, फर्द पर जमानत लिखा जाता है उसके ऊपर। जबकि जो हमारी लोअर कोर्ट या लाहौर के अंदर यहाँ पर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सेल डीड लेके आए, कहीं कहीं हम जो अलॉटमेंट लेटर को भी ले लेते हैं, और लोअर कोर्ट के अंदर मोटरसाइकिल और जो है वो गाड़ी के कागज भी चल जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि ऑफेंस किस किस्म का है, यानी जिसके अंदर कोर्ट हैंडल किसको कर रही है। यानी कुछ वर्किंग हमारी लोअर कोर्ट्स के अंदर इसे आप इस तरह डिवाइड कर लें कि डबल विकेट मैच भी होता है, 20-20 भी होता है, टेस्ट मैच भी होता है। तो ट्रायल जो है वो आपका टेस्ट मैच है,
और ये जो छोटे छोटे काम है ये सारे आपके 2020 और डबल भी कर, यानी जब तक एक नया वकील समय नहीं कोशिश करता है, कोई हैकर जाकर घुसता है वो काम करवा के चला भी जाता है, और अननेसेसरी लोग जो टाउट्स हैं वो सारी मार्केट को कैप्चर कर चुके हैं। 90% काम जो है, हम सब सारे लोग, आप ब्रेन है, पढ़ के आए हैं, काम आपने सीखा है, लेकिन वो इतने शार्प हैं कि उन्होंने रस्ते ढूंढ लिए, जहां पे लॉ होगा वहां पे उसके अब्यूजेज होंगे, तो जो अब्यूजेज हैं वो फौरी तौर पे उस अब्यूजेज को वो लोग इस्तेमाल करते हैं, अपने रस्ते बना लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर हम आस्ते आस्ते कानून बना रहे हैं, एक बंदे ने 550 जमानतें दी और इतनी स्मार्टली वो काम करते हैं कि वो, आप लोग कहते हैं कि जाओ असली करवा के लाओ, असली बंदा नहीं पहुंचता, जितनी देर में बंदा रिलीज होकर चला जाता है। तो बेल बॉन्ड्स, यानी हमें पता हो कि जब रात को हमें कॉल आती है कि मैं रात, ये मेरे पर FIR होगी, अब अगर FIR आने के बाद आपने उसको बताना है कि आपके पास सुबह क्या होना चाहिए, सबसे पहले FIR होना चाहिए। मैं बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे बात कर रहा हूँ, अगर आपने एकेडमिक साइड पे गुफ्तगू करनी है तो मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ, अगर निशान साहब आप मुझे असिस्ट करें कि जो मैं वट एवर आई कैन टेल। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जब हमारे पास कॉल आती है कि ये एक बंदा रात को हमारे पर FIR हो गई है, तो उसका स्टैंडर्ड क्या है, हमें क्या चाहिए, हम फौरी तौर पर उसे व्हाट्सएप पे या मॉडर्न डिवाइसेस के लिए उसकी FIR मंगाने की कोशिश करेंगे, उसे हुआ क्या। अब जैसे ही हमारे सामने FIR आ जाएगी तो हमने उसको ये देखना है कि क्या ये सीरियस है या नॉन सीरियस है, दो ही कैटेगरी, एक छोटे छोटे पेटी फेंसेज है, 188 हो गई जी, डबल सवारे पे बैठा हुआ था, डबल बैठ गया जी, दो हो गए। अब जहां ये भी समझना है कि जिसके साथ पे पे लग गए, PPC का फेंस कोई है तो इसको इन्वेस्टिगेशन विंग हैंडल करेगा, और जिसके साथ पे पे ना लगे, जैसे 25D है, टेलीग्राफ एक्ट है, इसको ऑपरेशन विंग हैंडल करेगा। अब उसको पेश करवाने वाले लोग ही और है, पाकिस्तान जी। अच्छा, अब वो ये होता है कि हमें जब वो जो है ना, फौरन हमें समझना चाहिए कि इसको क्लाइंट को अब इसने हैंडल किसने करना है, यानी थाने के अंदर लाहौर शहर के अंदर पुलिस आर्डर 2002 जब से आया है तो हमने लाहौर में इंप्लीमेंट करते हुए थाने के अंदर दो हिस्से बना दिए हैं, एक ऑपरेशन विंग कहलाता है, एक इन्वेस्टिगेशन विंग कहलाता है। अब थाने के अंदर जो पुलिस स्टेशन है उसमें जो ऑपरेशन विंग है उसका इंचार्ज SHO होता है और इन्वेस्टिगेशन विंग का इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन होता है। अब हमने जाना किधर है, अब ये दोनों के ऊपर जो है एक SDPO होता है, वो SDPO या ASP होगा या DSPO, वो सुपरवाइजरी पुलिस ऑफिसर है, वो SHO का भी इंचार्ज है और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का भी इंचार्ज है। उस रैंक में आते जो दोनों अख्तियार इकट्ठे हो जाते हैं, उससे जब हम ऊपर जाते हैं, जी सॉरी, नहीं, एक सुपरवाइजरी पुलिस ऑफिसर होता है। देखें, ये हमारी ना ये एग्जेक्टिव मैनेजमेंट है, लाहौर शहर में ये लोग चीजें ग्रो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे शहरों में आपके DPO सिस्टम है, यानी शेखुपुरा सिस्टम में DPO है वहां पे। तो ये बात सिर्फ आपको समझाने के लिए कैसे होता है। अब अपग्रेडेशन, जैसे इन्होंने नई मालूम दी कि जी मैं वहां पे गया और मैंने देखा ये अलग अलग हो गए, तो वो अलग अलग हो सकते हैं, मेरी कोई मालूम आखिरी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इनकी एक हायरार्की है, हमें मुसलसल इस हायरार्की को और काम करने के मैकेनिज्म को समझना है कि हमें हमारे क्लाइंट ने बता दिया, मैं फिर वापस जाता हूँ कि ये मेरे पर FIR हुई है, हमने समझना है कि ये पेटी ऑफेंस है या ये एक सीरियस ऑफेंस है। अब जैसे ही ये छोटा सा ऑफेंस है, फर्ज किया बिल्कुल मामूली सा है, तो अब अगर हमने उसको दुरुस्त रस्ते की तरफ चला दिया, अगर हमने उसको कहा कि तुम, तुम्हारे ऊपर 25D टेलीग्राफ एक्ट की, अब दो ही बातें, या वो गिरफ्तार होगा या नहीं गिरफ्तार होगा। अब प्रैक्टिकल बात यह है कि अगर वो गिरफ्तार नहीं होगा तो फिर हम उसे प्री अरेस्ट की तरफ ले जाएंगे। अब जो ईवल है साइमल्टेनियसली वो आपके साथ काम कर रहा है, ईवल उसको, ईवल कौन लोग होंगे, ईवल वो लोग होंगे जो थाने में कहेंगे कि यार तुम्हें क्या जरूरत है प्री अरेस्ट में जाने की, तो मेरे साथ चीजों को मैनेज करो, इस मुल्जम को आप घर छुड़ा देते हैं, इसको सुबह थाने में वहां पर कचहरी में सुबह पेश करेंगे, वहां ये अंदर जाएगा और हम तुम्हारी बेल भी करा देते हैं। यानी ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि हमें ये मसाइल आ रहे हैं और इस मसाइल को लेजिस्लेशन के जरिए हमने कल को हल करना। यानी बहुत दफा ऐसे होता है कि जो लेजिस्लेशन, जो आप एक लोगों के रिश्तेदार हैं, PMLA बन जाते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि कहाँ कहाँ कानून में जरूरत है, गुंजाइश है इसको ठीक करने की। तो अब एक तरफ आम वकील होता है जो कहता है कि मुझे FIR की कॉपी दो, दूसरी तरफ आपके मुकाबले पे जो ईवल काम कर रहा है वो खुद ही उस FIR का कस्टोडियन है, वो खुद ही वो वहां पर पैकेज देना शुरू कर देता है। आप जाएंगे तो आपको हो सकता है मिलने ना दें और उसको पैकेज मिल जाएगा उसका, कि वो तुम्हें रात घर सुला देंगे। ये ईवल है, ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हमने ये सीख के यही करना है, लेकिन आपको पता हो कि हमें इससे लड़ना है,
हमारे जो क्लाइंट्स हैं इनको हम जब तक कैप्चर नहीं करेंगे, अपने पास नहीं रखेंगे, उन्हें अच्छी असिस्टेंस नहीं दे सकेंगे। आपका सगा भाई भी पकड़ा जाए, आप उसे, अब वो क्या करते हैं कि अगर आप उनकी बात नहीं मानते तो सुबह वो उसकी गिरफ्तारी डाल के पेश नहीं करते। रात 12 बजे के बाद FIR है, वो कहते हैं जी 24 आवर के बाद पेश करना है, तो मैं तो कल पेश नहीं करूंगा। सारे वकील फेल हो जाते हैं और वो ईवर जीत जाता है कि जब तक वो उसको उसकी गिरफ्तारी डाल करके नहीं लाएगा तो वो सुबह बेल नहीं होगी। अब इसकी रेमडीज क्या है, अगर हम उन्हें छेड़छाड़ करेंगे तो वो हमारे क्लाइंट को और लंबा करेंगे। तो यानी ये सारी चीजों से हम साइमल्टेनियसली एक यंग लॉयर लड़ रहा होता है कि जब उस तक FIR आती है तो सबसे पहली चीज उसकी रिक्वायरमेंट FIR है, फिर उसकी रिक्वायरमेंट एक वकालतनामा, कि उसके पास वकालतनामा हो। तो वकालतनामे की साइंस को हमने समझना है कि वकालतनामा होता क्या चीज है, वकालतनामा वकील को वकालत करने का इख्तियार वकालतनामा कहलाता है। अब तो वकालतनामा दो जगह पर उसको जो है टेस्ट करवाया जा सकता है, एक तो वो जगह जिस वक्त वो मजिस्ट्रेट के पास पेश होगा और वो उस वक्त वकील साहब साथ पेश होंगे और जहां पर उसको वकालतनामा अपना भर के ले जाएंगे और वहां पर टेस्ट करवाएंगे। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि हर जेल के बाहर डब्बे बने हुए और मखसूस टाइमिंग से आप अपने क्लाइंट को वकालतनामा देते हैं, उसके ऊपर मुलजम का नाम लिखते हैं, लेकिन मुलजम जेल के अंदर मुलजम को उसके बाप के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है। मुकदमा नंबर से ज्यादा ये इंपॉर्टेंस रखता है कि उसका बाप कौन है, वो भी लिख के देना है आपने, और वो उस डब्बे में डाल देते हैं, डब्बे से अंदर जाता है और सुपरिटेंडेंट उसको टेस्ट करता है। वो वकालतनामा तीसरा एक ऑप्शन ये होता है कि मुलजम ऑलरेडी हवाला जुडिशल है और हर 14 डेज के बाद वो रहनुमाई के लिए मजिस्ट्रेट साहब के पास आ रहा है, तो उस तीसरा ऑप्शन क्या होता है अगर आप मुलजम पेश होकर क्या जज साहब के सामने, अब वो जुडिशियल रिमांड का मतलब तो आपने बता दिया क्योंकि वो जेल के अंदर उसको भेजते हैं और उसकी जो कस्टडी है वो जुडिशियल अफसर अपने ले ले, अपने उसमें ले ले रिमेन में। और एक फिजिकल रिमांड का मतलब, रिमांड का मतलब वापसी होता है, फिजिकल रिमांड का मतलब है कि उस शख्स को वापस पुलिस के हवाले फॉर द टाइम बीइंग दे दिया जाए। तो तीसरा ऑप्शन क्या होता है जब हम वहां पेश हो तो क्या हम आर्गुमेंट कर सकते हैं, सॉरी और कोई लफ्ज इस्तेमाल करें, नहीं बरी नहीं, डी से होता है डिस्चार्ज, सेक्शन भी बताए नहीं, और 63 यानी 63 के अंदर, यानी आप ये बेसिक चीज है कि जब एक मुलजम को पुलिस पकड़ के जब जज साहब के सामने खड़ा कर देती है तो वहां पर तीन बातें डिसाइड हो रही होती हैं। अब होता क्या है वहां पे, उस दिन तक जैसे ही जब बंदा पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद पुलिस डायरी स्टार्ट हो जाती है। पुलिस डायरीज क्या है कि वो पुलिस लिखती है सबसे पहले FIR लिखती है उसकी पहली गिनने में, और उसके साथ नक्शा मौका नजरी उसकी दूसरी आइटम है, और थर्ड ये होती है कि अगर मौके से कोई चीज बरामद हुई तो फट मुकबूजियां बनाती है, और वो समझती है कि इसकी जो फिजिकल सेल्फ है वो मुझे कुछ देर के लिए रिक्वायर्ड है, वो एक दरखास्त बना के ऊपर लगाता है। वो दरखास्त के ऊपर क्या लिखा होता है, मुकदमा नंबर मुजरम थाना लिखा हुआ है, मुलजम की नाम बल्दियत लिखी हुई है, दरखास्त पर वो रिक्वेस्ट करता है कि फिजिकल रिमांड, और नीचे रीजन देता है, और रीजन देने के बाद वो साइन करता है, और उसको कहां से फॉरवर्ड करवाता है कौन बताएगा, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से उसको फॉरवर्ड करवाएगा, और वो जो प्रोसिक्यूशन थे किससे फॉरवर्ड करवाएगा, अगर वो मजिस्ट्रेट के पास है तो किससे करवाएगा, और सेशन जज के सामने अगर है तो कहां से करवाएगा, मैं दोबारा सवाल कर रहा हूं कि अगर एक मुलजम पेश हुआ है और वो उसका रिमांड चाहिए और एक मजिस्ट्रेट के पास पेश हुआ है तो वो किस रैंक के बंदे से साइन करवाएगा, और सेशन कोर्ट में जाएगा तो किस रैंक के बंदे से करवाएगा, कौन बताएगा कि सेशन जज के पास कौन सा रिमांड पेश होता है, कौन से ऑफेंस में सेशन जज के पास रिमांड पेश होता है, सॉरी ऊंचा बोले, प्री अरेस्ट में कोई रिमांड नहीं होता, और बोले कोई और शख्स बोले, बताया कि सेशन जज के पास कौन, सेशन जज रैंक के पास कौन सा रिमांड पेश होता है, चले मैं सवाल को और रिफाइन मौका देता हूं, सॉरी और FIA का भी मजिस्ट्रेट डील करता है। यूजली आमतौर पर जब तक लेजिस्लेशन में बकायदा लिखना दिया जाए कि रिमांड खुद फाइनल करना है, जैसे कि टेररिस्ट कोर्ट में होता है, तो उसका रिमांड भी टेररिस्ट कोर्ट में ही सेशन जज के पास, रैंकिंग का सेशन जज है वहां पर, वो कुछ और बात तैयार उनके पास ये भी दहशत गर्दी के जज साहब भी होते हैं, वो अपना रिमांड वो हैंडल करते हैं, लेकिन 95% रिमांड मजिस्ट्रेट के पास आता है, 302 का रिमांड भी मजिस्ट्रेट के पास आता है, यानी वो अपना इलाका मजिस्ट्रेट जो है वो रिमांड को हैंडल करता है। अब वो जब रिक्वेस्ट जज साहब के सामने आती है फॉरवर्ड शुदा होती है,
हमें ये समझना है कि एडीपीपी डीडीपीपी और इनके ऊपर एक दो ऑप्शन आ जाते हैं जब आप डीडीपीपी बन जाते हैं, या तो आप डीपी बन जाए डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर बन जाए या डीपीजी बन के हाईकोर्ट चले जाए। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट 2007 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से हमने बनाया, तो दो रूट बन गए। यानी जो आप डीडीपीपी जब सीनियर हो जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर बन जाए या आप डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे, आप डीपीजी बन के पीजी ऑफिस को ज्वाइन कर दे जो हाईकोर्ट के अंदर वहां पर प्रोसिक्यूशन साइड को देखेगा। तो अब इसमें हमने ये समझना है कि जहां पर कानून साजी के अंदर लिख दिया जाए कि ये इसका रिमांड ट्रायल कोर्ट हैंडल करेगी वो वहां जाएगा, अदरवाइज सारा कुछ मजिस्ट्रेट के पास आएगा। तो आप में से कोई बता सकता है कि कब वो जो मुलजम मजिस्ट्रेट के पास पेश हो रहा है वो अपनी ट्रायल कोर्ट में जाएगा, किस स्टेज पे जाएगा ट्रायल के, चलान कौन पेश करेगा, किस सेक्शन में वो जज क्या लिखेगा, किस सेक्शन के 173 जो जज अपना अख्तियार है वो कौन से सेक्शन का इस्तेमाल करेगा, 190 का। तो ऑर्डिनेंस जब वो लेगा वो देखेगा, वो कहता मेरा अख्तियार नहीं है, एक ऑर्डर लिखेगा उसको डाकखाने की तरह मुतलक अदालत में भेज देगा। अब हम दोबारा रिमांड की तरफ आते हैं कि रिमांड पेपर हमारे सामने है, उसको एडीपीपी ने फॉरवर्ड कर दिया। फॉरवर्ड करने के बाद अब वहां पर हम जज साहब के जब सामने जाएंगे तो उस वक्त जब मुलजम पेश हो रहा होगा क्या कोई लोअर कोर्ट के अंदर ऐसा वक्त मुकर्रर है कि जिसमें उस रिमांड के लिए मुलजम पेश हो रहे हो, बताएं। रिमांड के लिए कोई एक्सक्लूसिव टाइम है मजिस्ट्रेट के पास पेश होने का? ये हमारे लिए हार्डशिप है कि जब पुलिस वाला लाएगा हमें तब पेश होना, यानी सुबह 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक वो मुलजम को रख सकता है। ये एक उसका इख्तियार है जिसको वो अब्यूज करता है। अगर आप वकील साहब उनके साथ हार्श लैंग्वेज यूज करेंगे वो कहता है मैं 2:30 बजे आऊंगा। अब वो 2:30 बजे आने के बाद और अगर आपसे उनके गुस्सा है तो वो कहता मैं मुलजम को कड़ी लेकर धूप में खड़ा करूंगा। यानी ये छोटी छोटी वो नेगेटिव चीजें हैं जिनसे जो फैसिलिटियां मुलजम को ईवेल से मिलती है तक वहां पर अपॉइंटेड होता है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो वारंट्स के ऊपर मुलजम को हरासती मुलजमान को वहां पर जज साहब के सामने डेली पेश करता है और वो एक रजिस्टर मेंटेन करता है जिससे पता लगता है कि आज किस मुलजम ने आना। यानी कोई ऐसा केस भी तो मैं मिल सकता है ना जिसमें मुलजम हो ही जेल के अंदर और उसने 14 दिन के बाद पेश होना है, तो वो जो कहां जाके ढूंढना है वो हमने उसको जो अदालत के अंदर वो वाला नाइव कोर्ट जो कि अदालती नाइव कोर्ट है उसको ढूंढना। एक और नाइव कोर्ट होता है वो थानों की तरफ से मैसेंजर होते हैं जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एलमस से जज साहब के जब अहकाम लेके थाने में कम्युनिकेट करते हैं, वो मुख्तलिफ थानों के वो अलग से एक मैसेंजर है, वो भी कहते हैं फलां थाने का नाइव कोर्ट। अच्छा, ये जो कोर्ट की तरफ से थाने को मैसेज जाता है आप कैसे कोई बता सकते हो उसको उर्दू में क्या कहते हैं? रोककार। हाँ जी 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 हाँ जी, रोककार जाती है ना, जो रोककार है लिखता कौन है, रोककार है जारी कौन सा ऐसा करेक्टर है जो रोककार लिख रहा है? एलमद। कितने एलमद एक अदालत में होते हैं? अमली बात क्या है? अमली बात यह है कि प्राइवेट लोग उसने साथ रखे होते हैं, यानी जब हम किसी को जाकर डील करें तो हमें पता होगा ये ऑफिशियल है या अनऑफिशियल। अब उसका काम यह है कि जज साहब जब लिखते हैं ऑर्डर उर्दू में तो वो एक आखिरी वर्ड यूज करते हैं उर्दू में होबे। होबे का मतलब ये होता है कि वो अपने अमले को कह रहे हैं कि इस तरह करो, रोककार जारी होबे। यानी वो जो उर्दू में लफज है वो एक्चुअल वो अहलमद ने उसके ऊपर उसको प्रोसीड करना है और उसके मुताबिक जज साहब का हुक्म बनाना है। अहलमद और कौन कौन सी किस्म की रोककार तैयार करता है? रोककार की किस्में को बताया, एक तो अपने रोककार बता दी कि रिकॉर्ड मंगाने के लिए जारी करता है, दूसरी रोककार कौन सी होती है? तलबी की रोककार होती है, और उसको क्या कहते हैं, कौन सी रोककार का नाम है उसका? नहीं नहीं चल तुम कहीं रोककार की बात हो रही है कि एक का नाम तो दे दिया ना कि आपने कोई और फान साहब दसो, रोककार रिहाई, उसे रोककार रिहाई कहते हैं। कहां जाती होगी रोककार रिहाई? थाने में नहीं जाती, और तो बहुत सारे काम आज, लेकिन हम सिर्फ रोककारों की बात कर रहे हैं। अच्छा, रोककार रिहाई जो है उसके जाने का भी एक तरीका कार है जेल के अंदर, वो तरीका कार ये है कि जो सर में मौजूद से पीछे हो गया तो नहीं हो रहा, मैं मुख्तसर करता हूँ। रोककार रिहाई जो थाने में जाती है जेल में जाती है उसको एक मैकेनिज्म उन्होंने बनाया है कि सारी रोककारें इकट्ठी होती हैं, एक सीनियर जज उसको काउंटर साइन करता है,
और एक बंदा हर जुरिस्डिक्शन में मौजूद होता है कि जिसका नाम जेल में लिखा हो, जब तक वो बंदा वो रोका ने इकट्ठी करके जेल में ना जाए तो रिहाई नहीं होती। आपका क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे रोक कर ले दो, मैंने बंदा खुद छुड़वाना जाके, तो ये वो वहां पर इससे इस तरह से बंदा बाहर नहीं आता, चाहे उसकी कॉपीज को दे दें, जब तक वो बंदा ना लेके दे जिसकी अदालत की तरफ से ड्यूटी है। आज हम अपने मौलों की तरफ आते हैं कि ये बेल की थोड़ी सी हिस्ट्री इसमें लिखी हुई है कि बेल का कॉन्सेप्ट तो सबसे पुराना है, इन्होंने वो लिखा हुआ है कि किस तरह से उस वक्त जो है वो सेक्रेटरीज की बात की गई है कि सक्रात ने उसकी जो है वो दी थी, सॉरी नहीं इसी को देख लो एक सेकंड, इट कैन बी इमर्ज ऑन फॉर इट कैन बी ट्रेस बैक 399 BC, जो प्लेटो था उसने ट्राई टू क्रिएट अ बॉन्ड ऑफ द रिलीज ऑफ सेक्रेटरीज, कि सक्रात को छुड़वाने के लिए प्लेटो जो था उसने कोई हजरत ईसा से पहले 399 में सबसे पहले उसको बेल बॉन्ड का कंसेप्ट दिया कि ठीक है बेल बॉन्ड का मतलब ये होता है कि अभी मैं मेरे पर जुर्म साबित नहीं हुआ, मैं अभी सिर्फ एक्यूज पर्सन हूँ, तो मेरी जो है वो लिबर्टी जो है वो बड़ी अहम है, और हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो प्रोटेक्टेड है वो आर्टिकल 4 और 10 है, कि जहां पर हमें ये गारंटी दी गई है फंडामेंटल राइट्स में कि राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और सेफगार्ड टू अरेस्ट एंड डिटेंशन हमारा आर्टिकल 10 है, यानी जो आईन है वो भरा है हमारा, और जो डेलीगेट जो नीचे लेजिस्लेशन है वो सबॉर्डिनेट है, तो जो हमारा आईनी फंडामेंटल राइट है ये हमारा कि किसी भी शख्स को जो है उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा और डिटेंशन में नहीं लिया जाएगा, तो हमारा जो सेक्रेट डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन इसको प्रोटेक्ट करता है। अब यानी ये अगर ये यहाँ पर वहां पर गारंटी दी हुई है इसलिए बेल बॉन्ड हमारे या बेल का कॉन्सेप्ट हमारे लॉ में मौजूद है। इससे आगे हम बढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ बेल एज एक्सप्लेन बाय जुडिशियल प्रेसिडेंट, यही बातें हैं कि जिसमें उन्होंने कहा गया कि लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ बेल इमर्ज फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पुलिस पावर्स टू रिस्ट्रिक्ट लिबर्टी ऑफ अ पर्सन हु इज अलेज्ड टू हैव कमिटेड अ क्राइम एंड प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इन फेवर ऑफ अलग क्रिमिनल। तो ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो है ना ये थ्रू आउट फौजदारी मुकदमे में एंड तक साथ चलती है, यानी यहाँ पर जब कोई किसी शख्स पे भी इल्जाम लगता है तो ये हमने तय करके रखा हुआ है कि उससे जो प्रिजम्पशन जो है वो अटैच होगी कि ये इनोसेंट है, और मुदई ने पाकिस्तान में केस साबित करना, इसमें थ्रू आउट द केस इसकी कुछ एक्सेप्शन है जो हम पढ़ेंगे, अदरवाइज जो है वो थ्रू आउट द केस जो है वो मुदई जो है वो अपने केस को अनलेस वो स्पेसिफिक प्ली ले लेता है, वो कौन सी सेक्शन में है जहां पे जो फिर ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है डिफेंस पे शिफ्ट हो जाता है, 100 के बाद जो है वो कुछ खास एक्सेप्शन है, जब वो स्पेसिफिक प्ली ले लेगा कि मैंने जनाब वो ये किया सेल्फ डिफेंस में, तो फिर इसका मतलब यह है कि वो वक्त वकुआ मानता है, वो जाए वकुआ मानता है वो, लेकिन उसके अंदर से निकलने के लिए वो अपनी को सर्टन प्ली ले रहा है, तो अब उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है। 99% जो वकला है जो फौजदारी वकालत करते हैं वो कोशिश करते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है थ्रू आउट प्रोसिक्यूशन पे रहे, वो ऐसी कोई चीज जो है वो पेश करने की कोशिश ही नहीं करते, और जिस वक्त एनालिसिस होता है केस का फैसला जब होता है तो इस चीज को कोर्ट नहीं देख रही होती कि इसने क्यों अपना जो है वो डिफेंस की एविडेंस नहीं दी, इसने क्यों बरअलफ अपना बयान 340 सबसेक्शन 2 में आके नहीं दिया, यानी वो उसको एक तरह की एक रायत मिल रही होती है, तो जो ये इस डेफिनेशन जो इस जजमेंट में PLD 1998 SC 1 में जो बात बताई गई है कि प्रिजम्पशन चूंकि मुल्जम के साथ अटैच है कि ये इनोसेंट है, लिहाजा अगर ऐसे सर्कमस्टांसिस आ जाए कि उसको बेल दी जा सकती है तो फिर हमें उसे दे देनी चाहिए, तो ये एक कुछ चीजें वक्त के साथ साथ सेटल डाउन अगले भी चलते हैं। हाँ अच्छा, इसके बाद ये अगली बात आ जाती है कि बेल दे कौन सकता है, बहुत सादा सी बात है कि कोर्ट ऑफ लॉ ने देनी है, और कुछ कंडीशंस के अंदर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन भी बेलेबल ऑफेंसेस में दे सकता है, और इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, आप में से कोई जानता है एक्सेप्शन ये 107 151 ये क्या होती है, 107 150 151 क्या है, क्या कोई जुर्म हुआ होता है जिस वक्त ये सेक्शन इन्वोक होती है? अच्छा मैं बताता हूं आपको कि 107 में और 151 और 150 ये 107 जो है ये प्रिवेंटिव मेजर्स है, यानी वो जब जुर्म हुआ नहीं है लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं, और 150 और 151 जो है ये पुलिस का इख्तियार है, 151 में गिरफ्तार होता बंदा 150 में गिरफ्तार नहीं होता, और स्पेसिफिकली 107 151 जो है इसको हमारी जुबान में कलंदरा कहते हैं, इसे कलंदरा क्यों कहते हैं ये एक अलग डिबेट है, लेकिन उसको हम चलान नहीं कहते, जब 107 150 या 107 151 जो है इसको स्लैंग में लोग 750 कहते हैं 751 भी कहते हैं, अदरवाइज ये 107 151 है। ये जो दो एक्सेप्शन दी गई है ना यहाँ पे, यहाँ ये लिखा हुआ 496 में कि बेल आपका हक है,
लेकिन उसकी दो मुस्तस्नियात बताई गई है कहां आपका यह हक नहीं हो सकता। तो ये जब आप 107 इन्वोक कर रहा है कोई बंदा और 117 इन्वोक कर रहा है तो उसको अगर मुमकिन है कि ये आपको एज अ राइट बेल ना दी जाए। अब 107 में क्या है कि जहां एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस है, दो पार्टियां ऐसी एक दूसरे की तरफ आंखें दिखा रही हैं, वो अपना घूर रही हैं, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को ये अख्तियार दिया गया है कि वो चाहे तो उनको गिरफ्तार करके उनको जो है वो अगले दिन इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे। अब जब इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो वहां दो तरह के मुचलके होते हैं, एक मुचलका वो होता है जो हम ऑर्डिनरी बेल के लिए फिल करते हैं, एक मुचलका थोड़ा डिफरेंट शक्ल का होता है। हमें चाहिए कि जो अपना डाटा बैंक बना रहे हैं उसमें दो साफ सुथरे मुचलके जो उनकी तस्वीरें खींच के पास रखें, बजाय इसके कि हम पत्तों की बेल कराने जाए हमें पक्का मुचलका ही ना मिले। देसी जुबान में कच्चा मुचलका और पक्का मुचलका भी कहते हैं। अब मेरा मौजू नहीं है लेकिन फिर भी बस एक लाइन में खत्म करता हूँ कि 107 जो है उसमें क्या होता है, मुल्ज़िम जब जज के सामने पेश होता है तो अगर वो कहता है कि मैंने इसको ये मेरे पे इल्जाम नहीं है ये गलत है, तो वो 112 की इंक्वायरी करता है और 117 में जाके जो है ना वो इंक्वायरी को चलाता है और 119 में डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो ये जो जो है वो अगर वो वहां पे पहले दिन जाके कहता है कि ठीक है सर मुझे बाउंड डाउन कर दे तो कहते हैं पक्का मुचलका। अब ये अक्सर लोग उसका फॉर्मेट और है, वो पहले दिन जाके देख के तो हमेशा के लिए केस खत्म कर लेते हैं, और कुछ लोग जो है बुकला चलाने के लिए उस मामले को तो वो आम बेल वाला मुचलका दे के तो दो दो साल उसकी तरीके लिए जाते हैं। तो ये एक्सेप्शन है वहां पे कि ऑफेंस हुआ कोई नहीं है, लेकिन आपको ये एक सहूलत नहीं मिलेगी जो 496 सीआरपीसी में दी गई है कि आपको बेल छोटे मामलों में बेल ग्रांट हो जाएगी, क्योंकि बेल का मतलब ये बंदा छोड़ेंगे वो फिर जाके लड़ेगा, तो वो बाउंड डाउन करते हैं कि अगर तुम लड़े तो इतने लाख या इतने हजार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तुम जो है वो जो पे करोगे। और जमानतनामे में भी यही अंडरटेकिंग होती है, जमानतनामा जो हम अदालत में भरते हैं उसको भरना भी आना चाहिए इंडिपेंडेंटली। उसके लेफ्ट साइड पर ऊपर मुकदमा नंबर बुजुर्म थाना लिखते हैं और नीचे पहला ऊपर वाला हिस्सा मुल्जम की तरफ से होता है कि मैं वल्द फलां सेकंड फलां मैं ये शोटी देता हूं कि जब मुझे हस्बे हुकूमत अदालत में पेश लेने का पाबंद रहूंगा, और नीचे वाला हिस्सा जामन की तरफ से होता है वो कहता है मैं डायरेक्टर ए वल्द फलां और सेकंड फलां का हूं, मैं फलां बंदे का जामन हूं और मैं जनाब ये इसको जो हस्बे हुकूमत अंटिल ट्रायल में इसको पेश करने का पाबंद रहूंगा। चाहे आप बेलेबल ऑफेंस में मुचलका दें चाहे आप नॉन बेलेबल ऑफेंस में मुचलका दें, अप टू सेशन कोर्ट मुचलके के लिए वही एक पैटर्न इस्तेमाल होता है। हाई कोर्ट के अंदर जब हम मुचलका देने के लिए जाते हैं तो वहां पर रजिस्ट्रार साहब के पास मुचलका होता है और वहां पर वो कुछ और परफॉर्मेंस साथ लगते हैं। कुछ मुचलकों की बातें हम जाके गार्डियन कोर्ट में भी करते हैं कि गार्डियन कोर्ट जो है उसमें गार्डियन कोर्ट में जब किसी एक को कस्टडी देता है तो दूसरा मुचलका लेती कोर्ट उससे कि तुम इसे मेरी जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं लेके जाओगे। कुछ बेल बॉन्ड जब आप सक्सेशन कराते हैं तो वहां भी मुचलका देना पड़ता है। ये जो फौजदारी मुचलका ये आसानी से कोर्ट एडमिट कर लेती है वो वाला थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने आपको एक्सेप्शन बता दी, अब हम आगे चलते हैं। इससे अगला जो है मेरी को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आए तो मैं माजूर चाहूंगा कि मैं ना तो रेगुलर टीचर हूं, मैं सिर्फ प्रैक्टिशनर हूं। अगर कहीं आपको तो बात लगे कि भी से आपके दिव्या नाजक पे अगर नागवार गुजर रही हूँ तो इसे थोड़ा सा आप एक्सेप्ट कर लें। अच्छा बेल की हम बात थर्ड वाले पे आ गए सर। अब यहाँ पर ना ये मैंने अपनी याददाश्त के लिए कुछ मोटी मोटी बातें लिखी है कि बेल जो ऑर्डर है, अब एंटीसिपेशन बेल जो है वो यंग वायर जो है उनसे सवाल होता है कि भाई मुझे क्या गिरफ्तारी से एफआईआर से कबल भी कोई बेल का कॉन्सेप्ट है, तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक मैं स्पीकर का लेक्चर सुन रहा था वो कह रहा था कि थ्रेटिकली कहीं लिखा हुआ लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है कि जब तक एफआईआर नहीं होगी कोई बेल ग्रांट नहीं की जा सकती। यानी सिंपल सी बात है, ये प्रिंसिपल है पाकिस्तान के अंदर, लॉ मेकिंग हो जाए कोई लेजिस्लेशन हो जाए बाद की बात है। क्या कोई शख्स कोर्ट में जाकर ये कह सकता है कि मुझे एप्रीहेंशन है कि कल को जो पुलिस स्टेशन फलाना पुलिस स्टेशन है वहां पर मेरे खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होने वाली है, तो मुझे वो एफआईआर जो रजिस्टर होने वाली है उसमें मुझे प्री अरेस्ट बेल ग्रांट कर दी जाए, क्या पॉसिबल है? नहीं
अच्छा, इसमें ये होता है कि हमेशा से नई इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश रहती है, इसलिए डालते रहते हैं। अगर कुछ भी समझ में आ रहा हो तो वन डब्ल्यू जा रही है, लोग एक्सेप्शन की बात करते हैं कि जितने लॉ में मेरे गुंजाइश मौजूद नहीं है, तो मुझे आप रहा है तो वहां पर 496, 497 और 498 की बात नहीं हो रही होती, वहां पर आप वन डब्ल्यू नाइन में जाते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं कि जनाब, और हमेशा नीचे नोट देना पड़ता है कि मेरे पास कोई अल्टरनेट बहन नहीं है, आपके पास तो जाना और लोड को अगर हमें कर जाती है तो एक्स्ट्रा उठ नहीं पाते हैं ना, तो ऐसी बात है कि जिससे मुझे फ्लो में डिजास्टर हो सकता है, तो वो वहां पर लगाते हैं इसीलिए बैठे हैं कि वो उसको जो है वो अपनी स्वामी के प्यार है उसको किसी तरह इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा किसी तरह मौजूद नहीं है। लेकिन जगह नहीं, कोई भी क्लाइंट आगे कहता है कि मुझे लगता है कि वो मेरे पास एफआईआर दर्ज करवा, हालांकि जिनकी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसको हम फिलहाल छोड़ रहे हैं। अच्छा, देखिए नो रिवीजन फॉर बेल ऑर्डर, रिवीजन की हद तक सुप्रीम कोर्ट तक, अक्सर ये होता है कि एक ऑर्डर आपका पसंदीदा नहीं है तो या आप उसकी अपील में चले जाएंगे या रिवीजन में चले जाएंगे, जहां स्पेसिफिकली अपील मौजूद है लोग अपील में चले जाएंगे और अदरवाइज वो उसकी रिवीजन में चले जाएंगे। लेकिन बेल ऑर्डर अगर आपकी मजिस्ट्रेट से बेल खारिज होती है तो सेशन कोर्ट में ना तो अपील होगी ना रिवीजन होगी, आप इसी उसी सेक्शन के तहत ऊपर जाएंगे, 497 में ऊपर जाएंगे, यानी वहां पर आपने टाइटल जब बनाना है तो वहां पर रिवीजन, बेल ऑर्डर का रिवीजन नहीं होता ना सेशन कोर्ट से जब आपका बेल खारिज होगी तो हाईकोर्ट में रिवीजन नहीं होगी। और दूसरी बात, जो अपील की हद तक है वो अपील हाईकोर्ट तक अपील नहीं होती, लेकिन हाईकोर्ट से बेल खारिज हो जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट में लीव टू अपील के लिए जाते हैं, वहां पर 497, 498 नहीं है, वहां पर आपने 30 डेज के अंदर लीव टू अपील, लीव का मतलब इजाजत है कि मुझे अपील करने की इजाजत दी जाए, उसकी ड्राफ्टिंग और तरह से होती है, लेकिन वहां पर 497, 498 में सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जाते हैं। रिवीजन और अपील की हद तक हम क्लियर हो जाए कि इसके अंदर बेल आर्डर नीचे से सारे जो लोग इसमें नहीं होता, इन्हीं सेक्शनों में हम ऊपर जाते हैं। अगर मजिस्ट्रेट के पास 497 के तहत पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल हुई है, मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दी है, अब आप कहां जाएंगे अपील फाइल करेंगे, रिवीजन फाइल करेंगे, फिर क्या करेंगे, अब आप सेशन कोर्ट में भी उसी सेक्शन 497 के तहत दोबारा ही बेल फाइल करेंगे, और अगर सेशन कोर्ट भी आपकी पोस्ट अरेस्ट बेल खारिज कर देती है तो अब हाई कोर्ट में रिट करेंगे, क्या करेंगे, नो, अब आप दोबारा 497 के तहत ही बेल फाइल करेंगे, मैजिस्ट्रेट ने आपकी बेल खारिज की, आप सेशन कोर्ट में जाएंगे 497 के तहत दोबारा बेल फाइल करेंगे, सेशंस कोर्ट ने भी बेल खारिज कर दी, अब आप दोबारा हाई कोर्ट में जाएंगे 497 के तहत ही बेल फाइल करेंगे। लेकिन जिस तरह सर ने कहा कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो अब आप 497 के तहत नहीं जाएंगे, लीव टू अपील हो, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको क्लियर हो गई है, बेल जब फाइल होती है बेल खारिज हो जाए या बेल एक्सेप्ट हो जाए, अगर एक्सेप्ट हो जाए कैंसिलेशन मूव हो सकती है, लेकिन उसको अपील या रिविजन रिट नहीं कहते। अच्छा, उसके बाद अगली बात यह कि कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल अक्यूज ऑफ वन एफआईआर कैन फाइल, अच्छा एक बात हमने समझ नहीं है कि एक बंदे पर चार एफआईआर है, तो जो चार एफआईआर है उसके ऊपर है ना, तो वो उसमें एक बेल नहीं लगाएगा, यानी ये कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है कि आप एक बेल लिखें उसमें चारों का हवाल लिखे, चार एफआईआर उसी दरखास्त में डाल के तो बेल मांगे, ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं है। अलबत् ये चीज मौजूद है कि एक एफआईआर में आठ मुल्क में आप आठों की एक दरखास्त के जरिए बेल लगा सकते हैं, यानी हम इस चीज को भी अपने पास नोट डाउन रखेंगे, ये एक बेसिक जनरल बातें हैं बेल के हवाले से, लोगों को पता है सबको। अब जो है फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अक्यूज पर्सन इज नेसेसरी अलोंग विद एक्सेप्शन 498 ए सीआरपीसी, तो यानी बेल के हवाले से जो एपेक्स कोर्ट है उनका ख्याल ये है कि जो मुल्जिम को तभी मिलेगी जब उसकी फिजिकल प्रेजेंस जो है वो कोर्ट के सामने हो, अब वो प्री अरेस्ट की शक्ल में उसके सामने हो, पोस्ट अरेस्ट की सूरत में, चूंकि जुडिशियल कस्टडी में ऑलरेडी होता है वो उनके सामने ही होता है, और 496 की हद तक भी जब हम प्री अरेस्ट करवाते हैं तो मुल्जम वहां अपियर होता है, तो इसकी सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, फोन कोई बता सकता है कि जब मुल्जम सामने ना हो और वो फिर भी बेल मांगे, कौन सी प्रोटेक्टिव बेल, प्रोटेक्टिव बेल में तो मुल्जम का होना जरूरी नहीं है, पेश होना जरूरी है, प्रोटेक्टिव बेल में मुल्जम का पेश होना जरूरी नहीं है, कोई बंदा ऐड करे बोले, अब वो सही कह रहे हैं कि प्रोटेक्टिव बेल की दो किस्में हैं, एक वो प्रोटेक्टिव बेल है जो एक ज्यूरिसडिक्शन से दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में जाने के लिए मिलती है, एक वो बेल है जो आप बाहर से आने के लिए आते हैं तो तब वो बेल एप्लीकेशन नहीं होती, वो रिट फाइल होती है,
उसमें उस रिट के अंदर आपको एक खास तरीके से आप अपनी रिट फाइल करते हैं और वो आपको मौका देती है कोर्ट, आप साथ टिकट लगाते हैं कि आप लैंड करके अपनी अदालत तक जाने के लिए 2 से 3 दिन मिलते हैं। वो एक एक्सेप्शन है जिसमें मुल्जम पेश नहीं होता, लेकिन हमने उसके अंदर एक गुंजाइश निकाली है कोर्ट ने कुछ प्रेसिडेंट्स के जरिए, वो मैंने इसमें आगे आएगी, वो मेंशन किया हुआ। अब इन्होंने ये कहा था कि क्योंकि प्रोटेक्टिव बेल में एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट होती है, जी जी, मेरा ख्याल यहाँ क्लियर करना जरूरी है कि जब एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट होती है तो प्री अरेस्ट बेल भी तभी फाइल की जाती है। अब थोड़ा सा मेरा प्रोटेक्टिव बेल और ये आगे आएंगे, सारा कुछ आएगा, यानी इसमें साथ साथ हम चलेंगे तो ये आगे जाके ये सारी बातें नजर आएंगे और मैंने कुछ पिटीशन भी पूरी इसके अंदर दी हुई है ताकि आप उसको देख सकें। अब इसके बाद फिजिकल प्रेजेंस और उसकी एक्सेप्शन हमने बात कर ली। अच्छा, 498A CRPC, ये मुझे आपकी वजह से पढ़ने का मौका मिला, प्रैक्टिकली हम इसको पढ़ते ही नहीं है, लेकिन 498A CRPC में फिजिकल प्रेजेंस यहाँ लेजिस्लेशन ने बंद किया हुआ, यानी 498 पढ़ते हैं, 496 आप 96, 97, 98 तो समझ है ना आपको इस चीज की, 496 बेलेबल ऑफेंस है, 497 पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए, 498 प्री अरेस्ट के लिए इस्तेमाल होती है, और 496 भी जो है बेलेबल ऑफेंसेस में हम 496 को इन्वोक करते हैं, यानी ये बेल के हवाले से ये 3 सेक्शन हमें याद होने चाहिए। और ये जो अगर हम इसे देखें तो 496 से लेके 502 तक बेल्स का कॉन्सेप्ट सीआरपीसी में नजर आता है। अब इसके बाद नो बेल एप्लीकेशन विदाउट वकालतनामा एंड इट्स एक्सेप्शन, कि आप वकालतनामे के बगैर बेल नहीं लगा सकते, लेकिन इसकी कोई एक्सेप्शन बताएगा कि जब वकालतनामे के बगैर भी अदालत आपको सुन ले। क्या बेल में वकील अपना वकालतनामा लगाए बगैर एक्यूज की तरफ से बेल फाइल कर सकता है? एक पीछे से आप तरह नहीं, उसने इख्तियार तो भेज दिया ना किसी को, वकालतनामा तो लगेगा साहब, अब वकालतनामा ना हो मुल्जम का और उसकी तरफ से पिटीशन फाइल हो। यूजली इसकी एक एक्सेप्शन ये है कि जिस वक्त मैजिस्ट्रियल कोर्ट में हम एप्लीकेशन देते हैं, वैसे तो हैबियस में जब जाते हैं 491 में तो मुल्जम का कोई रिश्तेदार उसका वकालतनामा लगता है, लेकिन अगर वो मुल्जम 24 आवर में पेश नहीं किया जा रहा तो सेक्शन 100 के लिए हम इन्वोक करने के लिए कि आप लोकली जनाब बंदा साहब भेजें जो वहां से बंदे को छुड़वाए, तो वकील साहब की स्टेटमेंट बगैर वकालतनामे के हम कहते हैं हमें अप्रोच नहीं करने दे रहे, हमारी बात सुनी जाए, तो वहां वकालतनामे के बगैर भी मैजिस्ट्रियल कोर्ट में एंटरटेन किया जा सकता है। एक्सेप्शनल हालत यह है कि मुल्जम को डिटेन किया गया थाने में, एक्सेस नहीं दी जा रही, मुल्जम का फंडामेंटल राइट है कि उसका वकालतनामा अपना वकील मर्जी का करे, वो जब उसको मौका नहीं मिलता तो मैजिस्ट्रियल कोर्ट में बगैर वकालतनामे की भी दरखास्त दे सकते हैं कि मैं जिम्मेदार एडवोकेट हूँ, मैंने अप्रोच किया, मुझे वकालतनामा भी कराने नहीं दे रहे। अब जैसे रिसेंट बाय इनोवेशन थी कि ये जब इमरान खान साहब का वाकया हुआ तो कुछ लोगों को गिरफ्तार करके उन्होंने जेल में बराए शनाख्त पर भेज दिया, लेकिन ये भी अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ था कि अगर आपकी गिरफ्तारी ना डाली जाए बल्कि ये दरमियानी हैंगिंग पोजीशन होती है कि आपको पुलिस पकड़ती है, वो कहती है कि आप सस्पेक्टेड हैं, आप हैं नहीं, तो आप इनको शनाख्त परेड के लिए आर्टिकल 22 जो है उसमें इन्वोक करके उसको जेल में भिजवा देते हैं और जेल में भी सेपरेट रखते हैं कि इससे ना इसकी मुलाकात होगी ना खाने के लिए उसको कोई चीज सामान जा सकता है, बहुत एक्सेप्शन में उसको सामान मिलता है, तो उसका वकालतनामा भी टेस्ट नहीं हो रहा था क्योंकि आप भेजते हैं तो, लेकिन ऐसी सूरत में आप डायरेक्ट रिट में भी जा सकते हैं। कुछ लोग ऐसी कैफियत में डायरेक्ट रिट में भी गए कि जनाब हमारे मुल्जम तक तो एक्सेस ही नहीं करने दे रहे हमें, तो लेकिन उसमें उनके रिश्तेदार मौजूद थे, बहन की तरफ से, भाई की तरफ से, रिट्स मीन के अंदर, लेकिन वो एक ही जगह मैंने देखा कि जब हम जाके सीधी एप्लीकेशन दे देते हैं कि जनाब मुल्जम थाने में बैठा हुआ और उसको जनाब प्रोड्यूस करने का ऑर्डर करें कि 24 आवर में वो प्रोड्यूस हो। अब उसके बाद जो है वो बेल इज ऑलवेज इनकॉग्निजेबल ऑफेंस एंड इट्स एक्सेप्शन, ये एक मोटी सी बात है कि ऑफेंसेस जो है वो दो तरह के हैं, काबिल दस्तंदाजी है, एक नाकाबिल दस्तंदाजी, कोई एक बंदा बताएगा वो कौन से होते हैं दस्तंदाजी कौन से नाकाबिल दस्तंदाजी? और वो होता है, नहीं सवाल यह है कि क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस है, क्या होती है, समझना चाहिए कि हमेशा एफ आई आर कॉग्निजेबल ऑफेंस होती है, आप 150 को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, करते ही उसमें होना है,
अगर नाकाबले दर्जेदार की पुलिस है जो मैं तो उसके साथ अगर होनी नहीं है उसका तो प्रोसीजर सेपरेट किया हुआ वो जो शेड्यूल है वो बताता है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है और फिर एफ आई आर दर्ज हो गई है किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मुलजम गिरफ्तार है जज साहब के सामने खड़ा है तो हम वहां पे क्या रिक्वेस्ट करेंगे जी बोले अच्छा और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जैसा के सामने खड़े होंगे क्या मांगेंगे और ये टर्म्स है ये हमें ना सीखनी चाहिए हाँ जी आपने आज करा किया वो डिस्चार्ज हो गया वो दुरुस्त कह रहे हैं इसमें ये होता है कि ये स्लैंग्स है बोर्ड की नया नया जब बंदा आता है ना तो वो चीजों को मिक्स कर देता है मतलब जो पुराने हमको पता है कि क्वेश्चनमेंट का लफ्ज ही हाईकोर्ट में इस्तेमाल होता है कैंसिलेशन पुलिस करती है पीछे जाके मैजिस्ट्रेट साहब के पास मैंने आपको पहले बताया कि तीन ही ऑप्शन है या जुडिशियल भेजेगा या फिजिकल रिमांड या मुल्जम 63 में डिस्चार्ज कर दे और फिर उसके बाद फिर फर्दर प्रोसेस होगा उसकी कैंसिलेशन बनती है या पर्चे को खारिज करते हैं पूरा एक मैकेनिज्म है तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि जो इसकी एक एक्सेप्शन भी है कि बेल आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस के अलावा भी कहीं से मिल सकती है वो कब वो तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो छोड़ती है ना वैसे तो पुलिस पकड़ ही नहीं सकती कॉग्निजेबल के अलावा पर तो वो बताएं कि कब ऐसा होता है कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस भी नहीं होता और जो हाँ जी सॉरी वो कब उसके आगे फिर बात है प्राइवेट कंप्लेंट तो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को होगी सेक्शन 200 में उसके उसके अंदर एक इनोवेशन है प्राइवेट कंप्लेंट में कि कोर्ट ने किसी को तलब कर लिया और उसके वारंट गिरफ्तारी निकल आए तो वो फिर जाके प्री रेस्ट कराएगा और उस प्री रेस्ट में वो बेल बॉन्ड देगा यानी जब किसी कोर्ट ने किसी को बुलाया हुआ है और उसके वारंट गिरफ्तारी निकल आया फिर ये नहीं देखा जाएगा कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस था या नॉन कॉग्निजेबल था और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कौन ट्रायल करता है कौन सा मजिस्ट्रेट अलग बिठाया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो फिर उसको प्रोसेस कैसे किया जाएगा किस जरिए से किया जाएगा कैसे होगा मैकेनिज्म क्या है फिर वो उसके ऊपर क्या करेगा एक ऑप्शन ये इन्होंने बताया कि वो जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का ऑप्शन है वो प्रोसीजर होगा पुलिस नहीं करती दूसरा ऑप्शन सेक्शन 200 है कि हम 200 के तहत जाके कोई भी कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को डायरेक्टली कर सकते हैं सेक्शन 200 के अंदर आके तो अब अगली बात पे हम जाते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ श्योरिटी बॉन्ड हमने डिस्कस कर लिया इससे पहले गुफ्तगू में आ गया जो सामने आपके नजर आ रहा है कि वो क्या चीज है उसके बाद रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर इन बेल कि बेल के अंदर एक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल बेल जो है वो जब फाइल हो जाती है तो वो नोटिस करती है कोर्ट नोटिस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी 497 में लिखा हुआ कि वहां पर उसमें लिखा हुआ है कि नोटिस किया जाएगा एटलीस्ट 24 आवर तक अब 24 आवर में एक पूरी एक बॉडी जो गवर्नमेंट ने बनाई है बाहर के मालिक में से क्राउन कहा जाता है पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन कहा जाता है प्रोसिक्यूशन पुलिस और अदालत के दरमियान एक अदारा है वो अदारा ग्रो हो रहा है अभी वो बढ़ रहा है छोटा सा पौधा है बड़ा हो रहा है तो वो प्रोसिक्यूटर जो है उसका एक रोल है अदालतों में वो मुदई के हकूक के तहफ्फुज़ के लिए अदालत में मौजूद होता है और वो प्रोसिक्यूटर का रोल ये है कि जिस वक्त आप आर्गूमेंट करेंगे तो वो मुदई की साइड से वो आर्गूमेंट करेंगे और उसके अलावा वो रिकॉर्ड को प्रोक्योर कर रहा होता है कोर्ट के कहने पे और लोअर कोर्ट में वो एडीपीपी कहलाता है और सेशन कोर्ट में जब जाए तो वो डीडीपीपी कहलाता है जब आप हाईकोर्ट में जाए तो वो फिर डीपीजी कहलाता है और वहां पर एपीजीज भी हैं डीपीजीज भी हैं और पीजीज भी हैं ये फौजदारी साइड पर अदालत के अंदर अगर आप बेल हाईकोर्ट में लेके जाएंगे तो ये सरकार का मैकेनिज्म मुदई के हकूक को तहफ्फुज़ करने के लिए वहां पे मौजूद रहता है और अदालत के अंदर जो पुलिस फाइल है वो भी प्रोसिक्यूटर का जो एसोसिएट है जिसको मैंने पहले इंट्रोड्यूस कराया कि वो अदालती नाइट कोर्ट है वो उसके जूनियर होता है और वो कस्टोडियन है उस रिकॉर्ड का हमें कोई भी शख्स अगर हायर करेगा
तो हमें पता हो कि हमने जो दो फाइलें लेनी है, जुडिशियल फाइल और पुलिस फाइल, वो कैसे लेनी। हम उदय की तरफ से हैं तो ऑफिशियली जो पुलिस फाइल की एक्सेस हमें अलाउड है, अगर हम मुलजम की तरह है तो कानूनन हमें पुलिस फाइल की एक्सेस हमें नहीं है। हमें सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जो हम 241 ए में या वो 265 सी में कोर्ट हमें दे। कानूनन हम पुलिस फाइल को बतौर मुलजम एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड वो नाइब कोर्ट होगा और उसका जो सीनियर है वो जो जो प्रोसिक्यूटर है वो उसके उसका सबॉर्डिनेट होगा। और नए आने वाले चालान भी वो लोग फॉरवर्ड करते हैं। यानी ये छोटा छोटा रूल है। मैं बेल की हद तक सिर्फ बता दूं कि उन्होंने मुदई की तरफ से आर्गुमेंट करने होते हैं अदालत के अंदर। अब कॉन्सेप्ट ऑफ नोटिस जो है वो मैंने नीचे मेंशन कर दिया। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये 497 में से उठाया गया। द सेकंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 497 पुट्स अ कंडीशन दैट अक्यूज्ड शैल नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल अनलेस प्रोसिक्यूशन हैव बीन गिवन नोटिस टू शो कॉज व्हाई सच अक्यूज्ड नॉट बी सो रिलीज्ड। यानी ये कानून के अंदर जब हम 497 की बेल आर्गू करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया नोटिस का। अब यहीं पर ही इवन स्टार्ट हो जाता है कि ये नोटिस के साथ लिखा नहीं होगा कितनी देर का नोटिस होगा। अब लोअर कोर्ट के अंदर ये होता है कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनमें तो सेम डे बेल हो जाती है, वहां पर एक कन्वेंशनल बात है कि हमें पता होता है कि ये वाले ऑफेंसेस सेम डे होने हैं और उसके लिए कल का नोटिस होना। तो जो नोटिस है अगर वो सेम डे को करवा ले तो वो उसको जो है ना वो बंदा रिलीज हो जाता है, क्योंकि जहां पर लिखा नहीं हुआ था वो जो नोटिस 24 घंटे का होगा वो नोटिस घंटे का भी हो सकता है। तो ये कोर्ट का स्वाधीनता इख्तियार है। जहां पर अब्यूज ऑफ लॉ होता है, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, कि जो ईवल है वो रस्ते ढूंढता है, वो कहता है कि मैं अदालती अहदेदार कर लो। अगर आम बंदा जाएगा तो कल तक नोटिस हो जाएगा, अदालती अहलकार जाएगा तो सेम डे हो जाएगा। तो ये जो ईवल या अब्यूज है वो लॉ के अंदर हमेशा बदलती जाती है। लॉ अगर अपग्रेड हो जाए तो ईवल खत्म हो जाए। यानी जब मैं प्रैक्टिस में आया था वो कहते थे ये वाले ऑफेंस में अगर आप बेल करा देंगे तो आज करा देंगे तो 10,000 ले लें, कल कराएंगे तो 500 मिलेगा। यानी ये यहां पर ये 497 में ये गुंजाइश दी गई है कि नोटिस लाजमी होगा पर कितनी देर का होगा। अब वहां पर यानी ये इसको मिसयूज किया जाता है लोअर कोर्ट के अंदर और बेल के अंदर बहुत सारे जो हकूक है वो सर्व कर लिए जाते हैं जो यंगस्टर्स के हैं, कि वो उनको पता नहीं होता, वो जाते हैं नोटिस हो जाता है, कोई सीनियर जाता है उसको सेम डे बेल मिल जाती है, वहां पर यही कहानी होती है। यानी इस इख्तियार का अब्यूज किया जाता है वहां पे। अब हम आगे चलते हैं तो उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ अब्यूज प्रोविजन इज टू गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू द राइट ऑफ द कंप्लेनेंट साइड एंड थ्रू दिस कोर्ट कैन हैव अ टेंटेटिव असेसमेंट ऑफ प्रिवेलिंग सिचुएशन। यानी ये बेसिकली मुदई के हकों का तहफुज किया गया है कि कोई शख्स आगे कहता है मुझे जमानत दे दी जाए तो जो जमानत के ग्राउंड है वो यहाँ पे इसके अंदर उसको पहले पता होना चाहिए ताकि वो डिफेंड करे, 24 आवर का टाइम मिलता है। उसके बाद हाउ टू प्रोक्योर द रिकॉर्ड, कि अब यहाँ पर कानून तो ये कहता है कि हमें जो है वो रिकॉर्ड जो है वो प्रोसिक्यूशन पेश करेगी। ये भी एक अलमी है कि पुलिस ने पकड़ा हुआ है और प्रोसिक्यूशन ही कंट्रोल कर रहा है, वो रिकॉर्ड नहीं आता, आर्गुमेंट नहीं होते। तो लेकिन रिकॉर्ड मंगाना भी एक काम है, आपने यंग लॉयर के तौर पर लोअर कोर्ट में जाना है तो उन पर नहीं छोड़ देना। यानी वहां पर चीजें लोग मैनेज कर लेते हैं, आपने अपने रिकॉर्ड को प्रोक्योर करवाना है, कोर्ट ने ऑर्डर करके साइट पर हो जाना है, नाइट कोर्ट ने उसके ऊपर रोका बनानी है और आपने उस रिकॉर्ड को पेश करवाना। अब ये यहाँ पर हम अगले स्लाइड पर आ गए कि एफआईआर है तो फॉर्म देखा जाएगा कि नॉमिनेशन है या नहीं है। नॉमिनेशन दो तरह की हो सकती है, या तो आप डायरेक्टली एफआईआर में नाम दे दो या आप सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो है उसके अंदर नाम दे दो। अब यानी ये तयन कर रहा होता है कि हम जब अगर हमारा मुलजिम गिरफ्तार नहीं है तो फिर हमने जब प्री रेस्ट करवाने जा रहा है तो जज साहब को बताना है कि मैं नामजद हूं या मैं सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नामजद हूं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेक्शंस लॉ की है 496 है, 497 है और 498 सीआरपीसी जो है वो इसको हैंडल करती है, प्रोटेक्टिव और या प्रिवेंटिव बेल एंड इट्स अब्यूसेस। यानी अब इसमें नो नीड ऑफ बेल बॉन्ड, जो प्रोटेक्टिव बेल हम कराते हैं उसमें बेल बॉन्ड की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ ये कह रहे होते हैं कि मुझे सर्टन ज्यूरिसडिक्शन में जाने के लिए एक्सेस दे दी जाए, इसको हमने पहले जिक्र किया है, और उस प्रोटेक्टिव बेल जो है वो कौन देता है इसमें? सेशन जज सर दे सकते हैं प्रोटेक्टिव बेल, हाई कोर्ट जो है प्रोटेक्टिव बेल नहीं होती, मैंने लिख दिया है। वो उसमें ना मैंने अब्यूजेस का लफ्ज साथ लिखा है, मैंने एक ऑर्डर भी साथ आगे दिखाने के लिए लगाया हुआ प्रोटेक्टिव बेल का, वो मैंने कराई है, उसको देख लेते हैं उसमें है या नहीं। अब्यूजेस अब क्या करते हैं लोग के उनके खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज हो गई है तो डायरेक्ट प्री रेस्ट नहीं करवाते,
वो 12-13 जगह पे केपीके में चले जाते हैं, एजेके में चले जाते हैं, कराची में चले जाते हैं, वो इसका व्यूज है इस इश्तेहार का, वहां जाके कहते हैं कि हमें वहां तक जाने का टाइम दिया जाए, वो 6-7 दिन वो जो बारो करके आते हैं तो वो शामिल तफ्तीश हो रहे होते हैं, यानी वो एक्चुअल पोर्ट से भी बेल नहीं लेते और 10-12 डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन को यूज करते हैं। ये इसका नेगेटिव इस्तेमाल है इस प्रोटेक्टिव बेल का, उसको रोकने के लिए मुमकिन है। अब चूंकि कोर्ट भी आहिस्ता आहिस्ता पहले क्यूट होती है तो वो मे भी शोर्ट ही मांग लेते हैं उनसे कि आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप जो कहते हैं कि मुझे वहां जाने का मौका दिया जाए, तो वो फिर वो भी कुछ अपने हाथ में रख लेते हैं कि अगर कल क्लाक को ये वहां नहीं जाता, ये समय लगती है कि ये तो झूठ बोल के मुझसे रिलीफ ले गया, तो जो दूसरी पार्टी है उस बेल बॉन्ड के जरिए जो है वो उसको रिलीफ दिया जा सकता है। अब इसमें टाइम का प्रोटेक्टिव बेल में वो दो बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 498 पे हम मांगते हैं जिस वक्त मुद्दम पाकिस्तान में हो, और पाकिस्तान से बाहर जब हो तो फिर वो 199 में हम जाते हैं। उसके बाद ये मैंने एक आपके सामने सैंपल खोला है, ये है अपना, हाँ जी, ये प्रोटेक्टिव बेल का जो है थाना 10 का नजर आ रहा है। अच्छा, ये बेल का पैटर्न है, मेरे पास अब स्पेस बहुत थोड़ी है, मैं चाहता ये रहा था कि मैं आपको बेल एप्लीकेशन का पैटर्न भी बता दूं कि पैटर्न क्या होता है। अब ये जो लेफ्ट साइड है ये इंडेक्स है, जो राइट साइड है ये बेल पिटीशन का मेन पेज है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि हर बेल एप्लीकेशन जो होती है उसके ऊपर सबसे ऊपर कोर्ट का नाम आता है, तो चूंकि जिस वक्त हम हाईकोर्ट को इन्वोक करते हैं तो उस वक्त हमें पता नहीं था जज साहब कौन से हैं, तो हम इसलिए लिखते हैं कि इन द लाहौर हाईकोर्ट लाओ, और जब इसकी फाइलिंग हो जाती है, फाइलिंग होने के बाद इससे नीचे 3 इंच का डिफरेंस होता है। ये 3 इंच किस लिए छोड़े जाते हैं कोई बता सकता है? कई ऐसी बेल एप्लीकेशन हैं जिनमें टिकट नहीं लगती, वो कौन सी है? जब मुलजम जेल में होता है तो उस वक्त उसके ऊपर टिकट नहीं लगती, ना कलकामे पे लगती है ना इसके ऊपर लगती है, तो जहां टिकट नहीं लगती क्या वहां पर ये 3 इंच छोड़ने चाहिए? क्यों? ये रवायतन ऐसा है कि यहाँ पे गैप दिया होगा, यानी अगर टिकट नहीं भी लगती तो तब भी छोड़ना है। फिर हमने लेफ्ट साइड जो है वहां पर भी 2 इंच का गैप देना है ताकि नोटिंग की जा सके इसके ऊपर। उसके बाद टाइटल में जो इंडेक्स है हमने मैंने बनाया, जैसे लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है तो ये मुलजम का नाम है, आगे वर्सेस में दी स्टेट लिखा हुआ, नीचे मुकदमा नंबर, बुजुर्म थाना, FIR है जिसमें हम बेल मांग रहे हैं, नीचे इंडेक्स है। अब इंडेक्स के अंदर अच्छा, इंडेक्स के अंदर जो पावर ऑफ अटर्नी है और कॉपी फॉर स्टेट है, क्या इसको नेक्सर लगता है? क्यों नहीं लगता कोई बता सकता? नहीं, ये ऐसा नहीं है। इसमें यह है कि जब हम कोई भी पिटीशन या कोई भी बेल एप्लीकेशन लगाते हैं तो एनेक्सर का मतलब होता है कि पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, कि जो चीज पार्ट ऑफ एप्लीकेशन होती है उसको हम एनेक्सर लगाते हैं, और जो पावर ऑफ अटर्नी या कॉपी फॉर द स्टेट है वो पार्ट नहीं होता उस एप्लीकेशन का, वो इंडिपेंडेंट एक डॉक्यूमेंट है उसको ज्यादा। हाँ जी जी, जो डॉक्यूमेंट साथ लगने उनको नेक्स्चर लगेगा, लेकिन जो इंडिपेंडेंट है जैसे के पावर ऑफ अटर्नी और कॉपी फॉर स्टेट को हम नेक्स्चर नहीं लगाते क्योंकि वो उस पिटीशन का हिस्सा नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट है। जैसे एक चीज है, मैं बार बार करता हूँ बेल के अंदर के, मैं बेगना हूँ, मेरे खिलाफ झूठी FIR दर्ज हुई तो मैं 7 FIR रब करता हूँ, यानी उसका पार्ट बना रहा हूँ उसको मैं बजाय। अब यहाँ पर भी अक्सर लोग अपनी बेल पिटीशन जब ड्राफ्ट करते हैं तो वो खुद से पूरा पैराग्राफ लिख देते हैं, लेकिन कोर्ट्स कहती है कि ठीक है आपने FIR साथ लगा दी, वहां जाकर पढ़ लेंगे, यानी वो उसको उसका पार्ट बन जाता है उस एप्लीकेशन का। अब इसके आगे इंडेक्स में आ गया, नीचे आपने पिटिशनर थ्रू अपना नाम लिख दिया, इसी तरह ही सेम आगे चले जाना है, और सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पर पिटिशनर का पूरा नाम लिखना है जब आप हाईकोर्ट में जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये बेसिकली ये एक प्रोटेक्टिव बेल थी डस्के की, तो इसमें यहाँ पर मुलजम बाहर था इसलिए मैंने इसका घर का एड्रेस दिया, अगर ये मुलजम जेल में होता तो साथ में लिखता कि प्रेजेंटली कन्फाइंड इन फला फला जेल। अब पिटिशनर आ गया, वर्सेस आ गया, स्टेट आ गया, ये पैटर्न ऐसे ही रहना, यानी आप जहां भी चले जाएं ये इसकी शक्ल यही रहेगी। उसके बाद नीचे उसका मुकदमा नंबर बुजुर्म थाना आ गया, टाइटल में वही बात आ गई कि ये पिटिशन अंडर सेक्शन 498 CRPC एनेबलिंग फॉर का। अच्छा, कुछ चीजें हमें याद करने की जरूरत है और कुछ चीजें हमें रटा लगाने की या कॉपी पेस्ट भी चल जाता है, तो यानी ये पैटर्न है, इस पैटर्न को सेव करें अपने पास, आप कोई भी दरखास्त लिखेंगे यही पैटर्न फॉलो। अब मैं इसके बाद सबसे पहली बात जो किसी भी एप्लीकेशन में आती है वो ये बताना होता है कि मैं कौन हूं।
यानी ये बताना है, अगर आप कहते हैं कि मैं मुदई हूँ तो आप कहेंगे कि मैं इस मुकदमे में मुदई हूँ, अगर आप मुल्जम है तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं इस मुकदमे में मुल्जम हूँ, आप ये कहेंगे कि इस मुकदमे में मुझे बदनामी से बतौर मुल्जम शामिल किया गया। पहली बात हमेशा दरख्वास्त के अंदर यही होती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आप चलते हैं दूसरी उसमें आप अगर यहाँ पर ये लिखा हो कि मैंने फला जगह से बेल कराई खारिज हो गई, फला जगह से कराई खारिज हो गई, अब मुझे बेल दे दी जाए इंटर एरिया ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड, इंटर एरिया का मतलब कौन बताएगा? आप लोग मेरे साथ साथ भी चल रहे हैं, मैं कहीं आगे निकल गया ये दे। हाँ जी अमंगस्ट अदर दिन, इसका मतलब यह है कि मैं बेल चाहता हूँ, ये मेरे ग्राउंड है, उनमें से कुछ ये है, यानी आप रास्ता रखते हैं कि भी आप ये ना कल को कोर्ट गए कि जनाब आपने सिर्फ जो ग्राउंड दिए थे वो तो एग्जॉस्ट हो गया, आप नया ग्राउंड नहीं ले सकते। तो एक एक वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट होता है जब आप बेल ड्राफ्ट करते हैं, तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऐसे ही है और सारा साल से चलती जा रही है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो आपकी इनोवेशन होगी, यानी वो जो आपकी इनोवेशन है वो आपको बेल देगी या नहीं देगी वो उस पर फैसला होगा। आप सबसे पहले जैसे इस केस इसके अंदर लिखा गया है कि पिटीशनर हैज फाइल, पहली बात तो ये है कि मुझे नजायज तौर पर मुलव्वस किया गया, मैं बेगुनाह हूं, दूसरी बात ये है। अब तीसरी बात वो ग्राउंड्स है, अब वो यहाँ पर दरमियानी हिस्से में वो बताएगा, अपना मौकफ पेश करेगा, हम इसको आगे चल के दोबारा फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके बाद जो अगला पैटर्न है वो कह रहा है कि भी मैं जो है वो मुझे बताएगा वो अपने ग्राउंड बताने के बाद कि मैं श्योरिटी देने के लिए तैयार हूँ और मेरा इस्तगासा पर असरअंदाज होने का इम्कान नहीं है, और वो उसकी बॉडी के अंदर कुछ चीजें जो है वो स्टेटिक रहेगी और उसके एंड पे जाके वो भी प्रेयर करेगा और नीचे नाम लिख देगा और नीचे एक सर्टिफिकेट देगा। यानी ये एक जनरल साहब जो ड्राफ्टिंग वाले लोग ने भी आपको अलग से पढ़ाए इसको, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा वक्त गुजारने की बजाय आगे चलता हूँ। अब उसके बाद ये आपको नजर आ रहा है दूसरा हिस्सा, तो ये बात हमें समझ नहीं है कि जब हमें हाईकोर्ट में जाना है स्पेसिफिकली तो हाईकोर्ट हमसे जो एफिडेविट है वो पूरा मांगती है, यानी लोअर कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में थोड़ी सी रायत है, सेशन कोर्ट में थोड़ी सी, और नीचे आप इंडेक्स भी ना लगाए चल जाता है, सेशन कोर्ट में इंडेक्स मांगते हैं लेकिन वो एफिडेविट पूरा बार दफा ना लगाए तो चल जाता है, लेकिन जब आप हाईकोर्ट में जाएंगे तो सेम सारे का सारा आपकी पिटीशन आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पूरा लगाए। तो ये आपको जो अब पेज नजर आ रहा है वही पिटीशन है, वो उधर से कॉपी पेस्ट हुई है, सिर्फ आखिरी एक बात उसमें लिख दी है कि उसको एक बयान हल्फी की शक्ल में देखिए, यानी ये एक पार्ट है बेल का जब आप हाईकोर्ट में जाएंगे। उसके बाद जो है ये एक पावर ऑफ अटॉर्नी जिसकी हमने पहले बात की कि अगर मुल्जम दोनों मुल्क है तो फिर वो एक पैटर्न हम इस्तेमाल करते हैं कि सबसे पहले ये वाला पावर ऑफ अटॉर्नी जो हमने दोनों मुल्क भेजा उसने वहां अपनी एम्बेसी के सामने जाके अंगूठा लगाया और उसने ये इख्तियार दे दिया कि फलां शख्स जो है वो मेरे बिहाफ पे पेश हो सके। अब ये एक स्पेशल पावर उसने अपना वकालतनामा और पिटीशन साइन करने के लिए ये उसने वहां से हमें भेजा, ये इटली से आया था, ये वाला जो जर्जीस कहानी ये इटली से आया था, तो ये उसने वहां फॉरन ऑफिस के सामने जाके हमें ये प्यार दिया। यानी ये हम बेल की मुख्तलिफ कंडीशंस पे बात कर रहे हैं कि मुल्जम बरूने मुल्क है वो पाकिस्तान में आना चाहता है तो वो सबसे पहला स्टेप उसका वकालतनामा होगा, वो कैसे है? तो हमने बजाय उसको वकालतनामा आज भेजे नीचे से बेल खारिज हो जाती है फिर भेजते, हमने उससे अख्तियार एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी ले लिया। अब ये ज्वाइंट भी होता है और सिंगल भी होता है कि आप चाहें तो किसी उसके किसी अजीज के नाम पे दे दें और वो चाहें तो साथ अपना बंदा भी रख लें कि अपने वकील साहब रख लें कि भी सिंगली और ज्वाइंटली भी साइन हो सकता है, जिसको चाहे आपको दे सकता है, यानी जरूरी नहीं कि वो एक और उसके ऊपर कोई ऐसी फीस नहीं है कि जो अरे उसको सिर्फ वहां से आप तक आना है, जहां आके अगर आपने प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख करनी हो तो इस तरह के डॉक्यूमेंट को यहाँ पाकिस्तान से भी वेरीफाई करवाया जाता है और फिर सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर भी करवाया जाता है अगर वो सेल डीड है, लेकिन आम वकालतनामा वहां बैसी के सामने साइन करके आ जाए तो इस पिटीशन के साथ कोई भी इतराज नहीं करता, उसकी कॉपी साथ लग जाती है। अब उसके बाद अगला स्टेप यह है कि वही मोहम्मद जजीज की ये रिट पिटीशन, यानी वो जो बेल है जब आप डायरेक्टिव बेल बरूने मुल्क से बैठ के मांगेंगे तो वो इस शक्ल में यहाँ उसने पूरी बात बताई कि मैं मेरी बीवी थी मैं पाकिस्तान में विजिट करने के लिए आया, मेरी बीवी मर्डर हो गई और गोलियां लगी और वो जिंदा थी, मैं उसको अस्पताल में लेके गया, उसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है और वहां पे मुझे पुलिस ने मुझे ही पकड़ लिया और 10 दिन पर मुझे छोड़ दिया, मैं इटली चला गया। अब मुझे पता लगा कि मुझे ही वो जो है एक्स्ट्राडिशन के जरिए पाकिस्तान में इश्तेहारी करार देकर मंगवाया जा रहा और मेरे पास ये वीडियो मौजूद है, वीडियो तक साथ लगा दी इसकी कि वो कहता है कि मैं पाकिस्तान में आके अपना मौको बयान करना चाहता हूँ, मेरे जो ब्रदर लाए उन्होंने मुझे उसमें मुलवस कर दिया तो मुझे एक्सेस दी जाए वहां तक जाने। तो ये इस सारी रेट में वो कहानी लगी है, वो सारे नेक्स्ट स्टेप्स खूब बढ़ गए,
ये सारी बात हमने वहां पे लगा दी और कोर्ट के सामने ये रिट पिटीशन की शक्ल में ये मेल हमारी पहुंच चलेगी, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद वही बात जो प्रेयर होगी सर्टिफिकेट होगा वो आगे आपको एफिडेविट राइट साइड पे नजर आ रहा है, जो हमने कहा वो सारा एफिडेविट की शक्ल में आ गया। अब उसके साथ अब आपको ये एप्लीकेशन नजर आ रही है जी जी कोर्ट जब भी आप बेल लगाएंगे तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इसमें अदालत से सच बोलें। लोअर कोर्ट में तो बार दफा अभी रात इतनी सीरियस नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट में वो मुमकिन है कि वकील साहब को भी जुर्माने हो सकते हैं अगर वहां पर आप झूठ बोलें। तो एटलीस्ट आपने अपने दिफा के लिए हमेशा जिंदगी में ये कोशिश करनी है। मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे बताया था कि वकालतनामा अपने प्रेजेंस में साइन करा, तो किसी को भी वकालतनामा नहीं देते कि वो घर में जाकर साइन करके वो अकल कलाम को ये कहे कि जनाब मैंने तो साइन ही नहीं किया। हमेशा कभी इस पर कंप्रोमाइज ना करें। बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, अगर कहीं 1.001% किसी को देना भी पड़े तो उस मुकदमे के पीछे उसका मुठा भी लगवाएं कि जिसने आपको लाके दिया। एटलीस्ट आपने अपने निकलने का रास्ता रखना। यहाँ पे लोग रिवर्स लिटिगेशन भी करते हैं कि फर्ज किया मैंने किसी को पकड़वा दिया थाने में, वो बेगुनाह मुलजम है, तो उसका मैं एक जाली रिश्तेदार बन के तो मैं बैलेट रिपोर्ट कराऊंगा ताकि पुलिस डर के इसकी गिरफ्तारी डाल दे। तो ये अब उस वक्त ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जाली रिश्तेदार कौन है उसको, और आखिर में वकील साहब तो कहीं नहीं भाग सकते, उनके खिलाफ जो है वो आप जा सकते हैं पंजाब बार में। तो लिहाजा इस सारी वकालत में जब आप आग से खेल रहे होते हैं तो वो वकालत काम जिंदगी में कहीं साइन करने या किसी इंटरनल ऑर्डर पे किसी भी पिटीशन पर साइन करते हुए अपनी आंखें खोल लेनी। जैसा आप कहते हैं साइन कर दो मैं ना इसको कर दूंगा, तो अटमो वो बुरा लगता है कि कोर्ट कहती है कि मैंने इंटरनल ऑर्डर पे आपने साइन क्यों आपने इस तरह की, तो आपने साथ लिखना है कि मैंने किस लिए की। साइन के नीचे मैं लिखता हूँ या अगर मुझे कहीं जाना तो मैं यूपी डाल देता हूँ अंडर प्रोटेस्ट, यूपी का मतलब अंडर प्रोटेस्ट साइन किए, कहीं जबरदस्ती करता कोई ऐसी जगह फंस गया साइन करो तो मैं कहता हूँ यूपी, क्योंकि मेरा इत्तेजाज है चाहे वो पढ़े ना पढ़े साइन। अगर हम कहीं जा रहे हैं, मैंने पिछले दिनों भी एक इंटरनल मार्टर पर साइन किए, मेरी स्टेटमेंट लिखी कोर्ट ने कि आप बतौर कौंसल लिख दें, तो मैंने लाइनें भी साथ लिखी कि मैंने 8 लाइनें लिखी है इसके अंदर जहां मैं साइन खाली करके जा रहा हूँ, कल तक कल को इसके अंदर कोई लाइन वही रीडर लिख ले। तो इसलिए हमने जहां हमारी सेफ्टी की बात आनी तो वहां पे हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, आपको जितना मर्जी क्यों करो। अच्छा अब जो आपको एप्लीकेशन नजर आ रही है एक बात हमने समझ ली है, ये मुझे 10 साल प्रैक्टिस करते समय लगी कि मैं फौजदारी काम करता था ऊपर काम ही जाता था, तो रिट पिटीशन जो है उसके ऊपर सीआरपीसी का तलाक नहीं होता, रिट पिटीशन पे सीपीसी का तलाक होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि हमने जब ये रिट लगाई बात फौजदारी है लेकिन इसके अंदर जो हमने फर्क एप्लीकेशन देनी है 151 की देनी, जब आप डब्ल्यूपी पे जाएंगे तो फिर आप उसके साथ 151 यूज करेंगे। कई दोस्त 561A लिख देते हैं लेकिन रिट पिटीशन के ऊपर जो प्रोसेस सारा होगा वो चाहे क्वेश्चनमेंट ऑफ एफआईआर का एजी ऑफिस उसमें इन्वॉल्व हो जाता है जब हम रिट में जाते हैं, तो रिट का मतलब यही है कि इसके अंदर हमने 151 लिखना। जब आप फौजदारी मामले के ऊपर लेके जाते हैं तो फिर आपने 561A लिखना। तो एप्लीकेशन के अंदर जो एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है ये हाईकोर्ट में समझना बहुत जरूरी है कि हाईकोर्ट के अंदर जब हम जाते हैं तो हमने अपनी हर प्रेयर जो है वो सेपरेट एप्लीकेशन के जरिए दे दी। इसको कोई बता सकता है क्या कहते हैं उसको, किसी और भी दस लाइन तो मतलब ये सीएम कहते हैं, सीएम अगर फौजदारी में हो तो क्या होती है। हाँ हाँ जी दोनों हो सकते हैं, सिविल भी है और क्रिमिनल भी है। अच्छा अब जो आगे लगी हुई है ये एक मिसलेस एप्लीकेशन है। हाई कोर्ट में जब हम जाएंगे तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप हर पिटीशन के साथ अटेस्टेड कॉपी लगाएंगे। अगर आपने कोई अटेस्टेड कॉपी प्रोड्यूस नहीं की तो ये अंडरस्टूड है कि उसके अंदर एक सीएम लगेगी और वो सीएम इस चीज की होगी कि जनाब फिल वक्त मेरे पास ये ओरिजिनल पिटीशन के साथ डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, जब मैं इसके अंदर जो है मुझे मिलेगा मैं फौरन लगा दूं। तो ये सीएम सेपरेट साथ लगी होती है और ईच प्रेयर के लिए अलग से सीएम हाईकोर्ट में देनी है। इन सीएम का कॉन्सेप्ट मैजिस्ट्रियल कोर्ट में और सेशन कोर्ट में नहीं है, यानी इस बेल के अंदर हमने इसके अंदर जो ये एक सीएम फाइल की 151 के तहत उसके बाद उस सीएम का भी एफिडेविट लगना, और जब आप हाईकोर्ट के सामने खड़े हो तो आपके जो हाईकोर्ट की पेशी लिस्ट पढ़ना भी एक बात है, यानी बहुत सारे लोग हैं जो हाईकोर्ट में उन्हें हाईकोर्ट की पेशी लिस्ट भी पढ़ने नहीं आती,
यानी जो यंग बंदा है वो समझता है कि हाईकोर्ट में मेरा तो 25वां नंबर है और आदि देख लेता है, वो जाता ही नहीं सुबह। जबकि 9:05 में जिनमें रिटर्न एडजर्नमेंट सारी होती उनके अंदर जज साहब डेट डाल देते हैं, फिर आप 3 बजे तक बैठे रहते हैं, आपको बताता नहीं आपका केस के अंदर दूसरे वकील साहब तो एडजर्नमेंट लेके जा चुके हैं। तो लिहाजा ये बात समझने वाली है कि हमें अगर हाईकोर्ट में वकालत करनी है तो वहां वक्त की बहुत पाबंदी है, वहां पर ये ऑप्शन ही नहीं है कि भाई आपको अगर 9 बजे आपका केस लड़ना तो आपको 9:15 या 8:30 अदालत के अंदर बैठे, क्योंकि वहां पर एक पैटर्न, वहां पर यह भी कंसेप्ट है कि अगर कोई वकील नहीं आना चाह रहा तो वह तहरीरी तौर पर अपनी एडजर्नमेंट 2 दिन पहले जमा करा देता है, तो वो जो अमला है वो आधा घंटा पहले आके वो शॉर्टिंग करके उस केसेस बाहर निकाल देता है। वो लोगों को पहली कॉल अर्जेंट के फौरी बाद वो जो है वो उसको उनको लोगों को इंटीमेट कर देता है कि इसमें 26वें वाले में काम ही नहीं होता। तो जो 25वां नंबर लेके बैठा होता घर में वो कहता है कि शायद मैं जाऊंगा तो मेरी बारी आएगी, वो 3 बजे तक तंग होता है। तो बीइंग यंग लॉयर हम बड़े चैंबर्स में जब काम करते हैं तो हमें इस चीज को समझना है कि जो हाईकोर्ट के अंदर उसकी जो पेशी लिस्ट है उसको देखो पड़े, कि जो पेशी लिस्ट है उसके अंदर जो बेल एप्लीकेशन है जब हम दायर करते हैं तो वहां पर सुबह अर्जेंट की शक्ल में लगे होते हैं। सबसे पहले जो 1 दिन पहले जो दायर होती है हाईकोर्ट में उनको अर्जेंट कहते हैं, अर्जेंट के हेड के नीचे लगी होती है। और हाईकोर्ट के अंदर ऐसे नहीं होता कि हर केस के अंदर नोटिस हो जाए, मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट और सेशन कोर्ट में आप कोई भी बेल लगाएंगे तो बेल जिस वक्त जज साहब के सामने रखते हैं तो आर्गुमेंट अमूमन नहीं होते, लेकिन हाईकोर्ट के अंदर जज साहब की मर्जी है वो नोटिस भी ना करे तो वहां पर आंखें बंद करके नहीं जाना, अपने केस को बेल के अंदर भी तैयार करके जाना। और वो कोर्ट कई कोर्ट ऐसी यहां बैठी है कि वो कोर्ट से नोटिस करवाना भी काम है। और सुप्रीम कोर्ट में तो आप अगर लीव टू अपील अगर आपकी वो ग्रांट हो जाए आप आधा केस आपने जीत लिया, इन दूसरी पार्टी को नोटिस हो जाए तो कहते हैं जी आपने तो लीव अलाउ करवा लिया। तो इसलिए इन ये बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, इनको हमने समझना है कि इसके बाद हम आगे ये हर सीएम के साथ अलग अलग से एफिडेविट रखना है, फिर उसके बाद ये वो शक्ल है जब आप हाईकोर्ट के अंदर अगर कोई भी बेल लगाते हैं तो वहां पर एनेक्सेस का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम चूंकि ज्यादा हमने 10-12-15 साल लोअर कोर्ट में काम किया तो वहां एनेक्सेस नहीं होता, एबीसीडी नहीं होता, वहां पर हाईकोर्ट के अंदर पिन पॉइंट वर्किंग हो रही होती है। अभी काम लोग क्या करते हैं कि अदालत के लिए तो नक्शे लगा देते हैं, अपनी फाइल पे नहीं लगाते, तो वहां पर अक्सर ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जज साहब को अपने सिंपल 2 लाइनों में बताना होता है कि पेज नंबर फलां पे आ जाए, फलां पे ये बात है, जज साहब को सवाल करने तो आपने कहना पेज नंबर फलां पे आ जाए, एक पेज पर गुप्ता साहब बांध सारा कुछ लिख के ले जाते हैं जिसे वो अपनी जुबान में ब्रीफ करते हैं। और ये मुमकिन ही नहीं है कि आप अगर अपनी फाइल अदालत की फाइल के साथ आप उसे जो है इन कॉन्फिडेंस विद करके ना लेके जाए और वहां पे कोई आर्गू कर जाए। तो थोड़ा सा मिजाज हाईकोर्ट का डिफरेंट है, लोअर कोर्ट के अंदर कोर्ट आपको सुनने के लिए बैठी, आप उसे 5 घंटे सुनाते रहे वो सुनी जाएगी, लेकिन हाईकोर्ट में इट इज अ काइंड ऑफ एन इंटरव्यू कि आप खड़े हैं तो जज साहब ने आपका इंटरव्यू करना है, एक सवाल किया तो वो आपने दे दिया तो जज साहब का इंटरेस्ट डेवलप हो गया, वो आपको लेके आगे जा जाएंगे। अगर आप कागज खोलना शुरू कर दें तो जज साहब की मेहरबानी है अगर आपको कुछ ना कहें, अदरवाइज वो कहेंगे जाए तैयारी करके आए। तो इतनी मुश्किल से बारी आई, तो हाईकोर्ट में आर्गूमेंट एक बहुत बड़ा आर्ट है, वो डिफरेंट है वो इस वक्त, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि शुरू से आदत डालें कि मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट के अंदर भी पढ़ करके ले जाए, ये आपका प्रोफाइल बनता है। आप कहीं कोर्ट में बेल, क्योंकि पहले तो मिलने यंग लॉयर को बेल है, आप उस बेल में आपको 2 तरफ से ऑडियंस मिलती है, जो स्टेज एक्टिंग जब करने जाता है उसको सिर्फ सामने ऑडियंस मिली हुई, लेकिन जब आप बेल आर्गू कर रहे हैं तो सामने भी ऑडियंस है, पीछे भी ऑडियंस है, लोग बैठे हुए अदालतों में वो आपकी तैयारी देख रहे हैं। आप मजिस्ट्रेट की कोर्ट को या हाईकोर्ट की कोर्ट बना दें, वहां पे मुकम्मल तैयारी के साथ आए, मुकम्मल नेक्स्चर लगा के जाए, अपनी सारी जजमेंट साथ लगा दें उसके साथ, कोई आपको बुरा भला नहीं कहेगा। लोग शुरू में कहेंगे कि इतनी बड़ी क्यों हो फाइल, लेकिन वो आपको क्लाइंटेज दे, आपका कोर्ट आपको देखेगी कि ये बंदा मेहनत कर रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि लोअर बिल्कुल जब हम कोर्ट में जाए तो तभी से आदत डाल लें कि हमने अपनी दरखास्तों के साथ अपनी नेक्स्चर लगाने और तमाम चीजें हमने असिस्ट करने के लिए अदालत को जाना। तो उसके बाद जो है वो ये वो ऑर्डर है जर्जीस वाला जो सर आप बता रहे थे मुझे ना कि इसमें श्योरिटी मांगते हैं, तो ये मैंने शेयर भी कर दिया कि जब हमें एक बेल ग्रांट हुई इस तरह की तो उसके अंदर जो है वो श्योरिटी नहीं मांगी गई थी, लेकिन इसमें मेरे साथ अनफॉर्चुनेट हुआ कि हमने प्रोटेक्टिव बेल लगाई। तो आजकल जो भी प्रैक्टिस बनी हुई है कि हर बंदा जो इश्तेहारी है वो जो डॉल्फिन वाले उनके पास डिवाइसेज है वो अंगूठा लगाते हैं और वो ट्रेस हो जाता है कि ये बंदा इश्तेहारी है। मैंने प्रोटेक्टिव बेल लगाई डस्के वाले की, वो मोटरवे से उतरा है पता नहीं क्या हुआ, उसका अंगूठा चेक हुआ, वो सुबह पेश ही नहीं हो सका, उसकी बेल खारिज हो गई। यानी ये वो हमने क्लाइंट को ये भी बताना है कि तुमने अपने आप को अदालत तक कैसे प्रोटेक्ट करके लाना। रात को क्लाइंट रास्ते में होता है, सुबह मैं कहता हूँ कि छोटी अदालतों के अंदर खुद को शमलावर
फिर रहे हैं सारे, माइंस लगी हुई, आपका क्लाइंट आपके दफ्तर तक ही नहीं आता, वो रस्ते में ब्लास्ट हो जाता है। तो यानी अपने क्लाइंट को हमने अपने तक लाने के लिए भी हमने अपनी उसको सिक्योरिटी मुहैया करनी है, मुसलसल हमारे रास्ते में रहे, उसे कोई अकल जैकल कोई बंदा जो है ना वो आपसे छीन के ना ले दे। ईमेल एक जिंदा हकीकत है। 1892 में जब जो हाईकोर्ट बार का पहला इजलास हुआ, जब जब हमारी बार काउंसिल बनी है, तो उसका एजेंडा भी टाउट थे, यानी 1891 के पहले हमारे पास रिटर्न दस्तावेज हाईकोर्ट में पड़ी है, चीफ कोर्ट थी। तो तब से हम इस ईमेल से लड़ रहे कि जो टाउट्स हैं, नेगेटिव लोग हैं, वो बड़ी तेजी के साथ अपने लिए कानून साजी करते हैं और हमारा जो कोर्ट है वो उसको रस्ते ढूंढना शुरू कर देता है, अपनी नौकरी सिक्योर कर रहा है कोर्ट, कोर्ट जो है वो उसे उसे वो डर रहा है एक्ट करने से। ईमेल जो है वो रातों रात एक नया तरीका घर लेता है, जब तक हम उसे मास्टर करने की कोशिश करते हैं वो पैसे कमाते जा चुका होता है। तो अब जी जी ये मनाजर आपको ना हाईकोर्ट में नजर आएंगे, इस पे जो टाइम टू टाइम जो है ना वो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उनके नोटिफिकेशन भी मौजूद है कि आप अदालती अहाते से कोई गिरफ्तार ना करें। ये लेकिन होता क्या है कि चूंकि पाकिस्तान के अंदर देखिए ना, अगर जमानत का हक दिया हुआ है कि आप प्री अरेस्ट ले सकते हैं, तो उसको वाजिया लेजिस्लेशन के जरिए उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट तक उस राइट को एक्सरसाइज करे। तो ये वो बातें जो गैप्स हैं जिन पे अब हमारे अंदर बड़े बड़े ब्रेन बच्चे भी बैठे हैं, हमारे सामने ये बच्ची बैठी है, ये डीन फिकेलिटी ऑफ लॉ डॉक्टर मानला मलिक साहब की बेटी है, एडवोकेट है। तो ये वो लोग हैं, ये बच्ची सामने बैठी, तो ये वो लोग हैं जो ब्रेन है, जिन्होंने मतलब काम किया और उनको आगे अपॉर्चुनिटीज मिलनी है आगे जाने की। तो वो अल्टीमेटली ये वो गैप्स हैं, तो यही गैप्स से रिसर्च होती है और गैप एजुकेटेड गैप्स हम लगाते हैं, उसके लिए हम अपना एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी है, क्वालिटेटिव करनी। तो ये गैप है, जब वो पुलिस पकड़ लेती है, कोई कई नोटिफिकेशन मौजूद है कि ना पकड़े, वो पकड़ ले उनको कुछ होता नहीं है, तो अल्टीमेटली फिर इससे झगड़े होते हैं। कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर अच्छा, एक और जरूरी आइटम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ये है कि आपने किसी की प्री अरेस्ट कराई सेशन कोर्ट से, लेकिन आप उसके बेल बॉन्ड ना दे सके, तो फिर ये एक सर्टिफिकेट का मॉडल है जो हम हर प्री अरेस्ट के अंदर पहले से डाल के रख देते हैं कि पीर साहब अपना सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं कि जी मैं फलां बंदे की फलां अदालत से बेल हो चुकी है, इसको फलां डेट तक गिरफ्तार ना किया जाए। तो ये फॉर द टाइम बीइंग एक सर्टिफिकेट का मॉडल है, मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप बेल बॉन्ड दे देंगे वहां पर प्री अरेस्ट के जज साहब को, तो फिर ये नहीं चलेगा। ये एक एटलीस्ट एक छोटा सा सहारा है ढूंढते को, तिनके का सहारा है कि वो कुछ बता सके कि वकील साहब सर्टिफाइड कर रहे हैं कि ये शख्स की जमानत हो गई है, लेकिन आज टाइम इसका गुजर चुका है तो इसलिए बेल बॉन्ड नहीं दे सकेगा, लेकिन इसको गिरफ्तार ना किया जाए। तो ये एक सर्टिफिकेट का मॉडल मैंने आपसे शेयर कर दिया। उसके बाद ये प्री अरेस्ट के ऊपर हम आ गए, तो प्री अरेस्ट के लिए रेलिवेंट फॉरम जो है वो हमें पता हो कि जो रेलिवेंट फॉरम है वो यूजली जो है वो अगर ट्रायल कोर्ट मैजिस्ट्रेट या कोर्ट है तो उसका तो उसके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है कि वो प्री अरेस्ट दे, यानी जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है वो प्री अरेस्ट ग्रांट नहीं कर सकते, जबकि सेशन कोर्ट के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो तमाम ऑफेंसेस में ऐसे स्पेशल ऑफेंसेस के अलावा, यानी 302 की भी प्री अरेस्ट सेशन से ही होगी, 9C की भी प्री अरेस्ट सेशन से ही होगी, लेकिन जो लोअर कोर्ट के ऑफेंसेज है उनकी भी पहला फॉरम जो है वो जो है सेशन कोर्ट ही होगा। तो यानी सेशन कोर्ट में जो बड़े काम हो रहे होते हैं तो वो प्री अरेस्ट, हमें पेशी लिस्ट के पैटर्न को भी समझना है,
कि लोअर कोर्ट में जब बेल होती है तो उसमें कोर्ट आपका इंतजार कर रही होती है, वहां पर जरूरी नहीं है कि आपने आवाज के साथ पेश होना। लेकिन सेशन कोर्ट के अंदर जो बेल है प्री रेस्ट है स्पेसिफिकली, वो सुबह टाइम पर अगर 8 बजे टाइम है तो 8 बजे वो पेशी शुरू हो जाती है, प्री रेस्ट में आपने टाइम पर पहुंचना है। और हाई कोर्ट में तो पोस्ट टेस्ट में भी आपने टाइम पे पहुंचना है कि सुबह अपनी कॉल के साथ आपने जाना है। बेल के लिहाज से जो अपीयरेंस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें सुस्ती नहीं कर सकते। अब उसके बाद कंडीशन फॉर प्री रेस्ट बेल क्या है, यानी मैं 498 को थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन किया है हमने कि जो कंडीशन वही वाली जो हमने पहले डिस्कस की थी कि अप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट हो। हमेशा आप कहते हैं कि जी मुझे अप्रीहेंशन ऑफ मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, मैं नामजद हूँ या मैं प्रतिमा बयान में नामजद हूँ, मुझे जनाब खतरा है मैं पुलिस स्टेशन अपना मौकफ बयान करने जाऊंगा तो मुझे गिरफ्तार कर लेगी पुलिस, तो आप मुझे बराए मेहरबानी मुझे एक्सेस दे दें कि मैं पुलिस स्टेशन तक जाऊं। तो वो कोर्ट क्या करती है, वो आपको एड इंटरिम प्री रेस्ट बेल ग्रांट कर देती है सर्टन पीरियड तक, और वो कहती है कि तुम उस डेट तक मेरे पास भी आओगे मुझे एक मुचलका दो और मैं तुम्हें अख्तियार देता हूं कि तुम जाओ और जाके अपना मौकफ पुलिस को बताओ। अब अक्सर वकला प्री रेस्ट करवा देते हैं लेकिन उसके बाद वो उनको असिस्ट नहीं करते कि आपने पुलिस स्टेशन जाना है और अपना मौकफ बयान करना है, वो आपसे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि मैंने जो बयान वहां पर लिख के देना है वो वकील साहब मुझे तैयार करके दे। तो ये आपकी आपकी अपनी मेहनत है कि आप उस जो जिस जिन सपूत के ऊपर जी जी ठीक है बतौर मुदई जो है ना इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, और ये एक इख्तरा इस पर जजमेंट्स मौजूद है कि ये सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो है 161 की स्टेटमेंट ही कहलाएगी, तो लेकिन ये किसी वक्त भी वो अपने अपने लैकुनास को फिल करने के लिए मुदई की तरफ से लिख लेते हैं। तो अब हमें अगर अप्रीहेंशन है तो हम प्री रेस्ट लगा देंगे, हम शामिल तफ्तीश होंगे, पुलिस कहती है कि ये बंदा इसमें मुलवस ही नहीं है, तो अगली डेट में हम अपनी बेल विड्रा कर लेंगे, हम वहां पर हल भी नहीं करेंगे। अगर फर्ज किया वहां पर रिकॉर्ड आ जाएगा हम चेक कर, ये भी ज्यादा अहम सवाल है कि हमें कैसे पता लगेगा नामजद हो गए, तो वो हमें इस तरह पता लगेगा कि जब हम लगा देंगे बेल और रिकॉर्ड आएगा तो पता लग जाएगा कि हम प्रतिमा बयान में नामजद हैं या नहीं। तो प्री रेस्ट बेल जो है उसमें मैरिट्स नहीं देखे जाते, ऑफेंस नहीं देखा जाता कि ऑफेंस कौन सा है, 302 में भी मिल जाते हैं लेकिन पहली बार आए हो। अब कोर्ट वकला को मिसयूज कैसे करते हैं, एक वकील के जरिए करा लिया अदम पैरवी खारिज करा लिया, दूसरे का पहली ही है। अब वो जो सर्टिफिकेट है मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने वकालतनामे के पीछे भी जो उससे साइन लेता हूँ कि तुम मुझे कह रहे हो कोई दीजिए सर्टिफिकेट के साइन करो तो तुम भी मुझे लिख के दो, ये पहली ही है ताकि मैं ना पकड़ा जाऊँ अदालत के साथ, मिस स्टेटमेंट जो है उसको भी हमने गौर करना है। अब रीजनेबल ये हमने को बात कर दी कि अप्रीहेंशन ऑफ इलीगल हरासमेंट है ह्यूमिलेशन है, यानी ये वहां सिर्फ पहली बार यही देखा जाता है कि हम जाके कहते हैं कि जी हमें अप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है, मेन ग्राउंड ही ये है उसके अंदर। लेकिन ऐसे नंबर ये है कि हमें जिन जो ग्राउंड हमने एजिटेट करने हैं कल उस बेल को कंफर्म करवाने के लिए, देसी जुबान में कहते हैं जी ये कच्ची बेल पर आ गई है प्री रेस्ट को, और अब वो जब उसके ऊपर आर्गुमेंट होगी वो कंफर्म होनी है या नहीं होनी है उसको हम पक्की बेल कहते हैं देसी जुबान में, जी वो पक्की करा देंगे बेल हमारे। तो कच्ची बेल जो होती है प्री रेस्ट है वो हर वक्त मिल जाती है लेकिन उसकी कंफर्मेशन के लिए हमें वहां पर प्रॉपर आर्गुमेंट्स करने पड़ते हैं, और वो जो आर्गुमेंट्स कल को आपको लगते हैं कि मैंने वहां करने हैं अगर आप अपनी प्री रेस्ट बेल में आज ही लिखते हैं तो वो ऐसे होगा। तो लेकिन स्ट्रेटेजी के लिए हम नहीं भी लिखते कि हम समझते हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन में जाए तो हमें कुछ नई बातें पता लगे तो ये ना हो कि मेरा मौका पहले ही तरीकी तौर पर चला जाए। तो इसलिए ये जो बात है वकालत एक आर्ट है, और आर्ट क्या है कि ये जो बुक्स हैं ये टूल्स हैं, जैसे एक पेंटर है पेंटर के पास रंग होते हैं, अब ये रंग इस्तेमाल कैसे करने हैं ये आपको कोई सिखा सकता है लेकिन पोर्ट्रेट कैसे बनना है ये आर्टिस्ट का काम, और जिसके अंदर स्किल होगा वो उससे पोर्ट्रेट के जरिए उस चीज को बना सकेगा। हम ये टूल सीख रहे हैं, मतलब छोटा सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वर्ड के टूल है, यू करोगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, यू करेगा तो ये होगा, लेकिन उसकी एक शक्ल बनाना ये एक आर्टिस्टिक वर्क, इसीलिए इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। वरना ये जितने एजुकेशनिस्ट हैं जो लोग PhD डॉक्टर हैं उनके लिए तो बड़ा आसान होगा, सारे ट्रायल इनके पास चले जाए तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। एक एक बिल्कुल यंग लॉयर जो है वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन सकता है, और एक बहुत सीनियर लॉयर जो है वो हो सकता है उसे समझ ना लगे, वो अपने केस को बना ही ना सके, और ये बड़ी आसान बात है, आपके अंदर कोई डिफरेंस नहीं, आप तमाम लोग इक्वल, आप सिर्फ फर्क कब डालता है कि अब यदि एक सिचुएशन है और सिचुएशन कभी भी रिपीट नहीं होती, ये ऐसे है जैसे आप और मैं मिलकर लूडो खेले, कभी मुमकिन ही नहीं है कि हम 1,00,000 गेम में लगा रहे तो वो लूडो के सारी की सारी गेम रिपीट हो, हर बार डिफरेंट हो, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं।
लेकिन क्या है कि अगर कोई यंग लॉयर ये करता है कि वो प्रेसिडेंट्स पढ़ लेता है और वो हो सकता है उस तरह के 20 केसेस को पढ़ लेता है और एक सीनियर लॉयर है उसकी जिंदगी में शायद एक बार रिपीटेशन आई हो, तो वो जब रोस्टर पे खड़ा होगा तो यंग लॉयर जो है उस इशू के ऊपर वो ज्यादा पढ़ के आया हो तो उस वक्त वो सीनियर हो। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ सीनियर और जूनियर। आप अपनी प्रपोजिशन पे कैसे कमांड करते हैं, आप कैसे अपील लेते हैं, आप कैसे उस पर काम करते हैं, इट इज अप टू यू। और ये बिल्कुल मैदान में जैसे ये ऐसे ही है जैसे घोड़े एक जैसे पड़े और एक जगह से दौड़, ये कोई इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं। आप ये मत समझे कभी आप जूनियर है तो आप वहां जाएंगे तो आप किसी ने बात नहीं सुननी, अगर आप बात सुनाएं तो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब हम प्री रेस्ट की जो ग्राउंड है ये नीचे इस पे जा रहे हैं सर जी डीडीपीपी की स्टेटमेंट पे हम वो ऑर्डर में लाते हैं, यानी डीडीपीपी साहब की तरफ से वो नहीं और वो उसमें आईओ की स्टेटमेंट नहीं होती, उसमें सरकारी वकील की स्टेटमेंट होती है, हाजिरी उसकी रखती है। अब उसमें सर ये कंडीशन आ गई कि रीजनेबल एप्रीहेंशन आ गई और उसके बाद प्रीरेस्ट ग्राहक जब अक्यूज ओल्ड हो, टेंडर हो, वुमेन हो, सिख पर्सन हो, ये हम कंफर्मेशन के आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा हमने वहां पर जो चीज साबित करनी है वो कि वो मेल आईडी ऑफ कंप्लेनेंट है। यूजुअली प्रीरेस्ट का बहुत नैरो स्कोप है, इस पर बड़ी जजमेंट्स है। वो कहते हैं कि जब आपने मुदई की बददियानती साबित करनी है कि मेल आईडी ऑफ पुलिस अगर आप सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड से अगर आया हो तो आपकी प्रीरेस्ट कंफर्म हो सकती है। तो और उसके अलावा इस पर भी जजमेंट्स मौजूद है कि अगर कोई औरत है, टेंडर एज है, वुमेन है, सिख पर्सन है, इनफेम पर्सन है, उसके अलावा हॉस्टेलिटी और पोलिटिकल वायलेंस आप साबित कर लेते हैं और फॉल्स केस, यानी ये वो सारी वो ग्राउंड है, मोटी मोटी मैंने लिख दी है, आप उसको पढ़ सकते हैं कि इस पर हम जाके वो केस के हवाले से जो बंदे के मौकफ में आप इधर को वो फॉल करा रहे होते हैं। लेकिन अहम बात मेला फाइडी बतानी है कि क्यों मुझे बदती से इस केस में शामिल किया गया। अब उसके बाद जो अगली बात है वो ये है कि ऑफेंसेस इधर वो बातें आ गई, दो बातें आपको पता है कि ये ऑफेंस वेरिएबल है या नॉन वेरिएबल है। ये 496 और 497 की बात आ गई, वेरिएबल के लिए जो रेलिवेंट फोरम है बेलेबल ऑफेंस के लिए क्या कोई बेल एप्लीकेशन होती है पोस्ट अरेस्ट में? मुल्जम गिरफ्तार है, मजिस्ट्रेट के पास पेश हुआ है, तो क्या बेलेबल ऑफेंस में कोई एप्लीकेशन होती है? नहीं, मैंने बेलेबल की सवाल किया, बताएं को बता। ये बात आप अंडरस्टूड है कि बेलेबल ऑफेंस के अंदर जो है ना बेलेबल ऑफेंस के अंदर बेल एप्लीकेशन पीस आपको सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है, जो रिमांड पेपर लेके आता है मैजिस्ट्रेट और जो सॉरी आईओ उसी के ऑर्डर के अंदर उसकी बेल ग्रांट हो जाती है। लेकिन एक कंडीशन है जब हम उसकी एप्लीकेशन देते हैं बेलेबल ऑफेंस की, वो सॉरी नहीं, वो गिरफ्तार जब कोई बता सकता है वो क्या है? वो एक कंडीशन ये होती है कि जिस वक्त मुल्जम गिरफ्तार होकर जेल चला गया, 302 उसने बंदा मारा था साहब, उसने एक पिस्टल बरामद हुआ, तो जिस दिन उसको पिस्टल बरामदगी के लिए वो पेश हुआ मैजिस्ट्रेट साहब के पास तो उसको बेल ग्रांट होगी उसके उसका रिमांड पेपर पे। लेकिन वो 2 या 2.5 साल बाद उसका 302 में वो बरी होता है, तो जब वो आता है हमारे पास क्योंकि मुझे तो मेरा उसकी फाइलें नहीं मिल रही होती, तो उस वक्त हम 496 की एप्लीकेशन लेके जज साहब को बताते हैं कि जी ये ऑफेंस है, आप रिमांड आप रिकॉर्ड मंगा लें। वो रिमांड पेपर जो होता है असल वो अदालत के पास होता है मैजिस्ट्रेटियल कोर्ट में और उसकी जो कार्बन कॉपी है वो जो है चलान के साथ लगी होती है। तो कोर्ट अमूमी तौर पे अगर हम उन्हें 302 की दिखा दें बरियत तो वो रिकॉर्ड के बगैर भी उसको अलाउ कर देती है कि 496 में कभी श्योरिटी बांड सिर्फ देना होता है। तो उस कैफियत में मैंने देखा है कि 496 की एप्लीकेशन भी हमें कभी कभी लिखनी पड़ सकती है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, हम ये वो जजमेंट्स हैं बाहर स्टेटिक ला उसको पढ़ सकते हैं कि ये लिखा नो सरेंडर बिफोर मैजिस्ट्रेट, हम खुद सरेंडर करवाते रहे हैं। 2003-04 की बात है कि आपके ऊपर बेलेबल ऑफेंस हो गया, हम सेशन कोर्ट में जाने की बजाय मुल्जम को पेश किया, जज साहब ने मुचलका ले लिया।
तो हमने कहा ये आपके साथ पीआर को हम अपने तौर पर डिफाइन करते थे जो इसमें लिखा हुआ। तो इसके बाद ये कराची की जजमेंट आई थी पीएलडी 2008 कराची 400, उसमें उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि किसी भी तरह से मैजिस्ट्रेट के पास प्रीरेस्ट देने का अख्तियार नहीं है, उसके सामने सरेंडर का अख्तियार नहीं कि आप उसे मुल्जम बाहर से आए सीधा और जज के सामने पेश होकर चला जाए। ये कॉन्सेप्ट 2008 में खत्म हुआ, उससे पहले हम लोग कोर्ट में सरेंडर भी करवा देते थे, पता लगा 420 है अवेलेबल है तो बजाय प्रीरेस्ट करवाने के डायरेक्ट सरेंडर किया। तो ये कॉन्सेप्ट ये इन जजमेंट्स के अंदर फिर फौजदारी वकालत से निकल गया, अब ये एक्सरसाइज नहीं होता। इन केस ऑफ अरेस्ट प्रैक्टिकल प्रोसीजर वो मैं हमने पहले बड़ा थॉरली डिस्कस कर लिया। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस की तरफ आते हैं 497 पे। अब जो 497 अगर हम पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ग्राउंड जो है ना वो ऐड किया गया। स्टैट्यूटरी ग्राउंड क्या है, यानी अगर आप 497 पढ़े तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में समझा यही जाता है कि इसमें बेल नहीं होगी, लिखा यही हुआ, लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शन बयान की गई है कि सर्टन कंडीशन जो है जब उसमें केस फॉल कर जाएगा तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल दी जा सकती है। तो उसमें जो एक अहम चीज जो भी ऐड हुई है वो स्टैट्यूटरी ग्राउंड है। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है कि स्टैट्यूटरी ग्राउंड से मुराद ये है कि कानून ने लिख दिया है कि अगर डेथ पनिशमेंट है, यानी एक ऐसे ऑफेंस में बंदा जेल में बैठा है जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ है, तो मेल के लिए 2 ईयर है और फीमेल के लिए 1 ईयर, अदर देन दैट मेल के लिए 1 है और फीमेल के लिए 6 माह। यानी आपने इसकी एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन इसकी ये है कि आपने ये बताना है वहां पर डेट आपने कोई ना लिया, यानी वो मुल्जम जो है जिसकी आप बेल जिसको आप प्लीट करने जा रहे हैं तो आपने अदालत को ये बताना है कि जब इस दौर 1 साल के पीरियड में मुल्जम के वकील ने कोई डेट नहीं ली, यानी जो डिले है वो एट्रीब्यूटेड मुल्जम को ना हो, तो वो फिर आप स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे जा सकते हैं। उसका एक मॉडल भी मैंने नीचे दिया हुआ है कि मैंने कैसे जब बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट की तो मैंने सारे इंटायर मैटर का ग्राफ बना के मैजिस्ट्रेट कोर्ट में दिया था। अब जो नीचे आपको ये चीज नजर आ रही है एज सच, ये जो एक दरख्वास्त हमारा जब आप उर्दू में लिखते हैं ना तो उसका पैटर्न, तो अब मेरे पास बहुत टाइम मुझे कम नजर आ रहा है कि मैं 3:05 हो गए, अगर शाह साहब इजाजत देंगे तो मैं इस पे 2 लाइनें बोल के आगे चल पड़ जाता हूँ, अगर अगला बंदा ना आकर बैठा हो। अगर आप लोगों की मंशा अगर आप कहते हैं तो मैं बोलता नहीं था। अच्छा, इसमें सर ये है कि ये एक बड़ा अंदर का पैटर्न है, यानी आप कंप्यूटर को अगर समझते हो ना तो उसके अंदर एक डेवलपर काम करता है और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करता है, पीछे प्रोग्रामिंग होती है। तो जो पीछे प्रोग्रामिंग किसी भी दरखास्त की है ना, ये मैंने उसका पैटर्न बनाया था एक बार। तो ये क्या होता है कि दरखास्त में इसके पीछे सबसे ऊपर जो लिखा जाता है वो ये लिखा जाता है किसी भी दरखास्त में कि किसे दरखास्त दी जाए, यानी अगर हम मैजिस्ट्रेट में है तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आप लिखेंगे बात आला जनाब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब, अगर हम जाएंगे सेक्शन 30 है तो साहब सेक्शन 30 लिख देंगे, अगर हम सेशन जज है, यानी सबसे ऊपर वाली लाइन दरखास्त की हमेशा उस लिखा जाता है, जैसे छोटे होते हम लिखते थे प्रसिद्ध जनाब हेडमास्टर साहब तो ऊपर कोर्ट का नाम ऊपर वाली लाइन, ये जो नीले रंग की चीजें हैं ये हर दरखास्त में स्टेटिक रहेंगी, आप प्रीरेस्ट लिखें पोस्टेस्ट लिखें जो मर्जी लिखें इसने नहीं बदला। उसके बाद उसकी ड्राफ्टिंग के 2 हिस्से रूनी साहब और रूनी साहब। अब इसमें जो पहली बात आती है वो सबसे पहली लाइन हर दरखास्त में दुनिया की दरखास्त लिखे कौन दे रहा है, पहली लाइन से पता लगे कि मैं जनाब साहिल हसबे अर्ज होता है, तो ये लिखना है ये था कि ये के साहिल मुकदमा मुदर्जा माने वाला में मुदई है, अगर आप मुदई हैं तो पहली लाइन में बताएंगे कि मैं मुदई है, अगर आप मुल्जम है तो आप लिखेंगे ये के साहिल को मुकदमा मुदर्जा माने वाला में नाजायज तौर पर बतौर मुल्जम रवज किया गया, तो पहली लाइन में हम बताएंगे कि हम हैं किस शहर से। दूसरी बात उसके अंदर आई किसको फ्री बनाया है, ये बड़ी अहम। अच्छा सॉरी मैं गलत आपको गाइड कर रहा हूँ, ये पहले ऊपर आएगी कोर्ट का नाम, 3 इंच के बाद ये बताएगा किसकी तरफ से पिटीशन, यहाँ पे हमने पहले ये जो लिखा है कौन दे रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने नाम लिखना है, बल्दियत लिखनी है, सुकूनत लिखना है और उसके बाद साहिल लिख देना, फिर वर्सेस के बाद लिखना है कि किसको फ्रीक बनाया, वर्सेस में स्टेट हो सकती है, वर्सेस के अंदर कंप्लेनेंट को लाजमी पार्टी बनाना है, बेल में लोअर कोर्ट आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती, सेशन और मार्टाउन में चल जाता है मजिस्ट्रेट कोर्ट में, हाईकोर्ट के अंदर कंप्लेनेंट को लाजमी पार्टी बनाना होता है, तो ये किसी भी दरखास्त के स्ट्रक्चर में तीसरी बात ये होती है कि पार्टी किसको बना रहे हैं, फिर उसके बाद किस मामले से मुतलक है, यहाँ पर आपने लिखना है कि एफआईआर नंबर क्या है, जुर्म क्या है, थाना क्या है, एफआईआर नंबर ऑफेंसेस अंडर सेक्शन, ये दरखास्त का ये कंसोलिडेटेड वर्जन में आपको बता रहा हूँ, चाहे आप प्री रजिस्टर तैयार करें पोस्टर तैयार करें जो भी करें ये इसी तरह ही आने। उसके बाद फिर दरखास्त का टाइटल आता है कि आप क्या मांग क्या रहे हैं, दरखास्त उसको अंडरलाइन करना होता है यहाँ कि 497 है 498 है उसकी दरखास्त पर है जमानत अंडर सेक्शन 497 है
या जो भी है ये हर दरख्वास्त का ये पैटर्न, उसके बाद फिर वो लाल हिस्सा जो है ये दरख्वास्त की बॉडी है। अब यहाँ पे हम पहली लाइन में लिखते हैं कि हम कौन है, ये वही बात यहाँ पे थी कि हम किसकी तरफ से, यानी कोई भी कोर्ट ये पूछती है कि हम है कौन। दूसरी बात इसमें आ जाती है कि हमारा मौकफ क्या है, यानी ये वो बातें जो ग्राउंड लॉ 497 में 496 में आप पढ़ते हैं कि और हमें जो है वो मौकफ अपना बयान करते हैं कि नजायज तौर पर मुकदस क्यों किया गया है, मैं औरत हूँ, मेरी 16 साल से कम उम्र है, मैं बीमार हूँ, मुझे ये हो गया वो हो गया। अब उसके बाद हम लिखते हैं कि हमें क्यों दादरसी होनी चाहिए और कानून में हमारे लिए क्या रायत मौजूद है, यानी जो स्टैट्यूटरी रायतें हैं वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद फिर हम लिखेंगे कि वादा क्या है, यानी एक वादा भी हम कर लेते हैं एप्लीकेशन जब प्रीरस देते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये कि जो है ना साहिल और ये दालत की तसली के लिए जाति में चलता हुआ जमानतनामा देने के लिए तैयार। और उसके बाद फिर ये भी लिखते हैं उसके अंदर कि ये साहिल का वहां इस तलाशा पर असरअंदाज होने का इम्कान है, यानी वो वादे हम ये एक तरह के किसी भी अदालत के अंदर कर रहे होते हैं। उसके बाद इस्तदा आ जाती है, इस्तदा के बाद साहिल गजरिया कौंसल आ जाता है, नीचे नाम आ जाता है। तो यानी ये अगर हम अपने दिल पर पैटर्न लिख लें तो कोई भी दरख्वास्त जो है वो हम इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, ये वो मॉडल है स्टैट्यूटरी ग्राउंड का जो लोअर कोर्ट के अंदर हम अपनी बेल फाइल करते हैं। तो ये जब वो ग्राउंड के बाद हम गए तो आपको राइट साइड पर वो आपको इंटायर मॉडल नजर आ रहे होंगे कि मैंने सारे इसमें लिखे हैं कि मैंने जितनी डेटे हुई उसमें क्या मुल्जिम की तरफ से डिले एट्रीब्यूटेड था, तो चूंकि मैं ये स्टैट्यूटरी ग्राउंड पर बेल मांग रहा था तो इसलिए मैंने ये इसके अंदर ये जो ग्राफ है वो इसके अंदर बनाया। एक ये सब आपको नजर आएगा राइट पेज पर आपको नीचे, सॉरी ये सेक्शन 30 का इश्तिहार होता है। उसके पास अगर आप लोअर कोर्ट में जाते हैं तो दो तरह के मैजिस्ट्रेट वहां काम कर रहे थे, सेक्शन 30 सीआरपीसी का। तो उसमें जब आप नए भर्ती होकर जाते हैं सिविल जज कम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तो आप वहां पर डेजिग्नेशन के लिहाज से दर्जा सोम, दर्जा दोम या दर्जा अव्वल होते हैं, लेकिन फौजदारी के अंदर सिर्फ दर्जा अव्वल का ही कॉन्सेप्ट है और उसके अंदर कुछ देर बाद इन्हें दफा 30 के इख्तियार मिल जाते हैं। तो सेक्शन 30 जो है वो कुछ सजा देने का इख्तियार बढ़ जाता है और छोटे ऑफेंसेस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास है, थोड़े से बड़े जो है वो सेक्शन 30 के पास होते हैं, वो सेक्शन 30 सीआरपीसी का। अब उसके बाद ये जो आप ग्राफ राइट साइड पर देख रहे हैं तो इसमें ये इनोवेशन हुई है कि इसमें मैंने रेफरेंसिंग दी हुई है। जैसे आप वर्ड हमें ये ऑप्शन देता है कि हम अपनी जजमेंट को जिस तरह आप थीसिस के अंदर रेफरेंस बना के नीचे लिख सकते हैं लाइन पर आके, तो जहां जजमेंट का जिक्र आया वहां वन डाल दिया, नीचे रेफरेंसिंग बन गई। ये वर्ड की एक सहूलत है कि अगर आप वर्ड को अच्छा इस्तेमाल कर लें तो आप अपनी जजमेंट्स को अपनी दरख्वास्त का हिस्सा बना सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड के नीचे लाइन बनी हुई है और वो नीचे जजमेंट्स लिखी हुई है और ये बड़ा आसान है अगर वर्ड में आप इसको इस्तेमाल करें। ये इसी तरह की कोई दरखास्त है पूरी मुकम्मल हो, ये पोस्ट टेस्ट बेल है मैजिस्ट्रेरियल, इसको हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद ये जो है वो ये एक अली जैन के अंदर, ये हाईकोर्ट के अंदर पोस्ट टेस्ट बेल का मॉडल है कि जब हम हाईकोर्ट में पोस्ट टेस्ट कराने जाएंगे तो इंडेक्स चाहिए हमें, बेल की बॉडी चाहिए, वो जो जितनी ग्राउंड है, यानी ये जो बेल हम देख रहे हैं एक बच्चे पे इल्जाम है कि उसने पबजी खेलने के चक्कर में उसने अपनी अम्मा को, बहन को और भाई को, दो बहनों को, चार को मर्डर किया, ये उसकी बेल ड्राफ्टेड है एग्जाम की, तो जो मतलब का हुआ था ये भी पेंडिंग है बेल। तो ये वो सारी ग्राउंड देखती है किस तरह ये 16 साल का बच्चा है और उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया और किस तरह से इसको हम क्या क्या अपना मौका पेश कर रहे हैं इसके अंदर। तो उसके बाद ये बेल का पैटर्न आपके पास आ गया और ये सारा मैंने अर्थी की शक्ल में आ गया, ये भी मैंने आपको कहा था कि सीएम की शक्ल में इसके अंदर दरखास्त आती है। और उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोहिबिटरी क्लास बेल के अंदर अगर हम जाते हैं जब, तो एक सबसे अहम बात यह है कि ऐसे ऑफेंसेस जिनकी 10 साल से ज्यादा पनिशमेंट है उनको प्रोहिबिटरी क्लास में कहते हैं फॉल करते हैं, और जो उससे कम है वो प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल नहीं करते और उनमें यूजुअली बेल ले ली जाती है। तो यही दो बाइफरकेशन होती है, प्रोहिबिटरी क्लास देखना होता है कि ऑफेंसेस में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। जिसकी सजा आप शेड्यूल में जाकर देखेंगे 10 साल से ज्यादा है वो प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करता है, और जिसकी उसमें नहीं है 10 साल से कम है, लिखा हुआ है जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 10 से कम है, तो कहते हैं ये प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल नहीं करता। ये प्रोहिबिटरी क्लास जो है ना, ये आप ये पीएनडी 1995 एससी 34 तारिक मशीद केस में इसको हाईलाइट किया गया, उस केस में ये मुकम्मल तौर पर इसको डिस्कस किया हुआ। अगर हम इसको डिस्कस करने लगे तो रात तक यही डिस्कस होगा कि प्रोहिबिटरी क्लास क्या होती है। तो मैं इसको इसलिए स्किप कर रहा हूँ कि अपनी जजमेंट को थॉरली पढ़ लेंगे ना तो ये समझ है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 10 साल से कम है वो प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल नहीं करता, बस इतनी सी बात। इसमें अगर आपने डेप्थ में पढ़ना तो फिर एक लंबी इसी के ऊपर एक पूरा लेक्चर चाहिए कि प्रोहिबिटरी क्लास क्या होती है, यानी ये ग्राउंड है
कि जब यूजली कोर्ट जो है वो लचक देती है कि फैंस प्रति का अगर फॉल नहीं करता तो बेल मूवमेंट हो जाती है इसके अंदर। अब उसके इनके जी देखिए आप लिखे या आप ना लिखे, अगर आप अपना एक फोरम एग्जॉस्ट कर लेते हैं और चाहे वो ऑर्डर में डिस्कस ना भी हो लेकिन वो ग्राउंड मौजूद थी तो एपेक्स कोर्ट ये कहती है कि ये डिस्कस हो चुकी। अब कोई बात ऐसी थी लेकिन आपने एजिटेट नहीं की लेकिन वो एग्जिस्ट करती थी तो अगली बार उसको लेके आप नया ग्राउंड के तौर पर पेश नहीं कर सकते। यानी अगर एक दफा खारिज हो गई है, हाँ जी, उसी कोर्ट में एक नई ग्राउंड खुलकर, हाँ जी, जब ऊपर जाएंगे तो वो ग्राउंड वो तो रहेगी डेफिनेटली, लेकिन उसी अदालत में आप दोबारा बेल लगाते हैं और कहते हैं जी वो बात एक रहेगी, मैं बताना भूल गया हूँ कि मैं बीमार हूँ, तो वो कहते हैं नहीं बीमार तुम चूंकि पहले से हो, तुम पिछली बार चाहे डिस्कस भी नहीं हुआ तो लिहाजा ये आर्गूमेंट तुम्हारा फ्रेश आर्गूमेंट नहीं। अब जो सबसे अहम बात है फर्दर इंक्वायरी की, जो लगता है बहुत पीछे रह गए हैं, तो जो 497 सबसेक्शन 2 है जिस पर तमाम बेलें आरोप होती हैं वो फर्दर इंक्वायरी। अब क्या होता है कि ये सारी बेल के अंदर वकील साहब सारी कहानियां सारे ग्राउंड्स जो है वो बनाने के बाद बताने के बाद कहते हैं जी मेरा केस फर्दर इंक्वायरी में फॉल करता है। तो फर्दर इंक्वायरी ये होती है कि कोर्ट को हमें ये बताना होता है कि आज के दिन तक जो रिकॉर्ड आपके सामने पड़ा हो इसके अंदर से मैंने कुछ नए सवाल रेज किए जिनका जवाब फिल वक्त इस रिकॉर्ड के अंदर मौजूद नहीं, लेकिन वो चीजें एग्जिस्ट करती। मसलन मैं कहता हूं कि मेरे पास ये शनाख्ती कार्ड है और मैं 15 साल हूं, लेकिन पुलिस जब मेरा जो है वो लेती है अपना लिखती है एज लिखती है तो मुझे 25 साल का लिख देती है। मैं 8 डॉक्यूमेंट पेश करता हूँ जिससे पता लगता है कि मैं 15 साल हूं। मैं कहता हूं कि जनाब ये जो मैं बातें आपको दिखा रहा हूं इनका जवाब इस वक्त रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है प्रोसिक्यूशन के पास, तो इट इज अ केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी। यानी कोई ऐसा सवाल रेज करना जिनका जवाब फिल वक्त रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है तो सेफली कहा जा सकता है इट इज अ केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी। तो ये फर्दर इंक्वायरी के कॉन्सेप्ट को हमने समझना होता है और उसके बाद यानी वो ग्राउंड सारी जो 497 सब सेक्शन 2 के अंदर मौजूद है और 95% जो पोस्ट टेस्ट बेल है वो फर्दर इंक्वायरी के अंदर घूम रही होती है। आप ऐसी चीजें निकाल के लाते हैं, आप तस्वीरें दिखा देते हैं कि देखें जनाब ये मरने वाला ये बंदा मौके पे खड़ा हुआ जिसने जो जाए वहां पर तस्वीरें हैं मौजूद मेरे पास लेकिन पुलिस की फाइल में वो बंदा एग्जिस्ट नहीं करता है उसका बयान, तो कोर्ट को कहा जा सकता है कि ये ग्रे एरिया यानी ग्रे एरिया आप हाईलाइट कर रहे होते हैं नीचे से लेके ऊपर तक, तो इसको फर्दर इंक्वायरी कहते हैं। अब उसके बाद टेंटेटिव असेसमेंट वाली बात है कि बेल में जब आप जाते हैं तो कोर्ट जो है वो आपको थॉरली उसके अंदर भी उतरने देती फाइल में, तो वो टेंटेटिव असेसमेंट में वो जो चीजें देख रही होती है वो मोटी मोटी चीजें होती है कि भी FIR क्या थी, 161 के स्टेटमेंट क्या है, मेडिकल क्या है, यानी वो आपको बहुत ज्यादा डीप जो है वो एनालिसिस नहीं करने देते। तो बेल पे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि टेंटेटिव असेसमेंट क्या है, यानी बेल में आप उस तरह आर्गुमेंट नहीं कर सकते जिस तरह आप ट्रायल में कर रहे होते। उसके बाद कैंसिलेशन ऑफ बेल का कॉन्सेप्ट है 497 सब सेक्शन 5 में है, अगर लोअर कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट साहब ने बेल ग्रांट की है तो ये कैंसिलेशन अगर आप हाजिर थे जिस वक्त और आप कोर्ट ने आपकी बात नहीं मानी तो कैंसिलेशन आपकी उससे ऊपर वाले फोरम पे जाएगी, अगर आप हाजिर नहीं है और बेल आपके बगैर हो गई है तो आप लोअर फोरम में आएंगे। अगर आपने कंडीशनल बेल कराई है और कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर रहा है तो फिर वो उसी कोर्ट को दोबारा आके 497 सब सेक्शन 5 में यानी 497(5) में कैंसिलेशन ऑफ बेल का कॉन्सेप्ट मौजूद है, यानी अगर सेशन में बेल प्री अरेस्ट होगी तो फिर उसकी कैंसिलेशन भी आप हाईकोर्ट में जा सकते हैं और पोस्ट टेस्ट है तो मजिस्ट्रेट साहब ने बेल दे दिया तो आप सेशन में जा सकते हैं हाईकोर्ट में जा सकते हैं। क्या उस 497 सब सेक्शन 5 के बाद जो रेलेवेंट सेक्शन है 501 है इनसफिशियंट बॉन्ड, वो जाली मुचलके दे गया कोई तो आप एक तो जाली मुचलके की कार्रवाई फौजदारी साइड पर मांगेंगे लेकिन साथ आप 501 की एप्लीकेशन सेम कोर्ट को दे देंगे
कि जनाब इसने इनसफिशियंट बॉन्ड्स दिए हैं तो इससे दोबारा बॉन्ड ले। तो 501 में इनसफिशियंट बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट है, 502 में यह है कि जो मुझलका देके गया वो बंदा विड्रॉ करना चाह रहा है तो वो कहता है जाके कोर्ट को कहता है कि जनाब मैंने दिया था अपनी मैंने देना जनाब इसको पकड़ ले या इससे नया मांग। तो 502 सीआरपीसी में उसका कॉन्सेप्ट मौजूद है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, मुकदमा खत्म हो गया तो आप समझते हैं इसको डिस्चार्ज करवाना जरूरी है तो आप सेम कोर्ट में जाके एप्लीकेशन देंगे, मुसद्दक कॉपी अटेस्टेड ऑर्डर लगाएंगे, उन्हें कहेंगे जनाब मेरी श्योरिटी जो है ना इस बंदा बरी हो गया उस केस खत्म हो गया तो मेरी श्योरिटी जो मैं बेल में देके गया था उसको डिस्चार्ज कर दिया था। और उसके बाद अपडेट ऑफ सीआरओ, अगर आपने किसी की जमानत दे दी है तो वो आप बतौर जमानती क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस में आपका नाम चढ़ गया, जब आपकी जिम्मेदारी है कि उस मुसद्दक कॉपी को आप लेंगे जो ऑर्डर फरियत हुआ कोर्ट से ऑर्डर करवाएंगे अपनी श्योरिटी रिलीज का और उसके बाद थाने में जाके इंडेक्स को अपडेट करवाएंगे, उस इंडेक्स की टेस्ट कॉपी साथ देंगे और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन में सीआरओ को जाके एप्लीकेशन देंगे कि जनाब मैं आपका इंडेक्स भी अपडेट कराया हूं तो मेरा अब जो रिकॉर्ड है क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस में आपने मुझे बतौर जमानती चढ़ाया हुआ है वहां लिख देंगे ये जमानत एग्जॉस्ट हो चुकी है तो ये जमानत का टेल एंड तक जो है ना वो किसी भी स्टेज पे लोग आपको हायर करने के लिए आ जाते हैं इसके अंदर। अब जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है आपको मुकदमे में सजा हो गई, सजा होने के बाद आपने अपील फाइल की, अब अपील जब फाइल करते हैं तो उस अपील के अंदर आप प्रेयर कर सकते हैं सेपरेट एप्लीकेशन सीएम देके और वो सीएम 426 सीआरपीसी में आप जाके सीएम देते हैं, आप कहते हैं कि जनाब जो मुझे पनिशमेंट दी है ये अभी आपके पास फौरी तौर पर इसकी समाप्त में भी टाइम है मुझे बफा जो है ना मैं तो जेल के अंदर बंद हूँ मैक्सिमम पनिशमेंट ही 5 ईयर है तो मैं साल से जनाब मैं जेल काट चुका हूँ तो मैं अपील की पेंडेंसी के दौरान आप मुझे अपील की हियरिंग में बाहर से करना चाहता हूँ तो उसके सर्टन पैरामीटर सेट यानी जो आप हाईकोर्ट में जाए तो उन्हें पता है कितने परसेंट सजा हो गई है तो आपको आरोपी की जरूरत नहीं पड़ती वो आपको सस्पेंड कर देते हैं, वो डिफरेंट जो है वो उसके जो है वो क्राइटेरिया जजमेंट्स के जरिए सेट किया हुआ है और इवन सीआरपीसी में कॉन्सेप्ट मौजूद है कि अगर आपको बहुत थोड़ी सजा होती है सर्टन लिमिट है उसकी एक सेक्शन है पूरी कि वो फिर जब आपको कोर्ट कन्विक्ट करके सेंटेंस देगी तो साथ ही मुचलका ले ये सीआरपीसी में एक सेक्शन है इसका जहां पे आपको जजमेंट्स का सेक्शन है कि अगर साल दो साल सजा हो तो आपको अपील भी करने की जरूरत नहीं। अब इसमें एक और जगह जहां पे डायरेक्ट सजा हो जाती है ये चीनी वाले मजिस्ट्रेट जाते हैं जाके चीनी पैंगी बेचने पे बंदे को पकड़ते हैं वो आपसे रब्ता करते हैं कि जी बंदा तो सीधा जेल छोड़ा है तो जिसको डायरेक्ट इश्तिहार दिया हुआ सजा देने का यानी ये एसी साहबान के पास इश्तिहार है कि कोई महंगा बेच रहा है होल्डिंग एक्ट लगता है उसको डायरेक्ट उसका एक वारंट बनाता है उसको बगैर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पेश के सीधा उसके वारंट में जेल में छोड़ा है तो यहाँ उगला भागे फिर रहे थे कि मैंने इसकी बेल कहाँ लगा दी, उसकी बेल नहीं लगनी है उसकी अपील फाइल होती है डायरेक्ट सेशन कोर्ट में अपील फाइल होती है, अपील के साथ आप 426 की एप्लीकेशन देते हैं कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द अपील आप मुझे बेल ग्रांट कर, तो ये एक बेल का पोस्ट कन्विक्शन भी कॉन्सेप्ट मौजूद है तो ये 426 सीआरपीसी में मौजूद है मेरा जीरो के सबक कर रहा नहीं नहीं वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का अल्फाज भी जनाब ऑफेंस को सस्पेंड कर दें। अब कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर पूरे का पूरा नीचे वाला रिकॉर्ड की जिल्दें भर रही होती है यानी ये भी एक ख्याल आता है कि कई दफा आप जाते हैं 426 को आर्गू करने कोर्ट कहती है तुम अपने केस को ही आर्गू करो तो फाइल साथ लगी होती है आप प्रिपेयर नहीं होते कहते इसी पे फैसला कर देते हैं तो ये आपने जब भी इवन हाईकोर्ट जाना है तो आपने सारा कुछ पढ़ के जाना है आपकी फिंगर टिप्स पर सारा कुछ है तो मैं चीजों को फिर समाप्त करता हूँ कि हमारे पास 496 से लेके 502 तक सीआरपीसी की इकट्ठी सेक्शन है 199 हम इसमें आता है 426 सीआरपीसी आती है 91 आता है यानी ये रेलिवेंट चीजें जो हमें पता होनी चाहिए और प्रैक्टिकल प्रोसीजर पे भी हमने बात की कि भी कोई भी बेल जब आप क्योंकि ये वो बुनियाद है जो फौजदारी वकील बनाती है यानी ये बिल्कुल बेसिक्स थी जो मैंने बातें डिस्कस की है ये एक एक बात के ऊपर एक एक दिन बात हो सकती है तो वो हमने सिर्फ चीजें आपको हाईलाइट कर दी जब लेक्चर शुरू हुआ आपको अलहदा से मैंने चीजें डिटेल के साथ डिस्कस कर दी कि आप ये चीजें आपने टारगेटेडली सीखनी है। इन सारी बातों में से एक बात मैंने अभी एक्सप्लेन की है कि आप जो बेल है उसके इफ एंड डोंट्स क्या तो लॉ ऑफ बेल जो है ऐसे कोई अलहदा से मजमून नहीं है हम जो है ना वो शुक्रगुजार हैं दिशान साहब की जिन्होंने टाइम निकाला ये सारी एक तरह का फिलेंथ्रोपिस्ट वर्क है यानी ये जो वक्त दे रहे हैं अपना एक प्रोफेशनल लॉयर है टीचर भी हैं तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यंग लॉयर्स के लिए इतना अपने लिए वक्त निकाला और मुझे अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू वेरी मच।